अभी हम प्रॉफिट यूपर्ट एंजल जी जो द रिटर्न ऑफ द नेफिलिम पार्ट टू सिखा रहे, हमने उसको प्रकाशित वाक्य तक देखा कि किस प्रकार से शहर को बनाया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। तो वो कैसा शहर रहने वाला है, किस प्रकार से वो लंबाई में चौड़ाई में है, और साथ में उसके साथ क्या दिखाया उसने, ऊंचाई भी दिखाया। तो शहर के अंदर क्या क्या होता है, सारी जीवन के चाल चाल चलन के लिए जो ज़रूरी रहता है, जैसे रोड मैप्स रहते हैं, बस्तियाँ कहाँ रहेगी, रेसिडेंशियल्स रहेंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ रहेंगे और ट्रैवल्स रहेंगे, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के सिटी शहर बनाया जाता है। तो यहाँ पे रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में आपको दिखाया है, अगर शहर को नापा जाना है तो वो लंबाई में चौड़ाई में नापा जाना चाहिए, ऊंचाई में कैसे नापा जाएगा, लेकिन वो शहर के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऊंचाई में भी नापा जाएगा। समझ में आया? तो ये आप पिछला रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसके बारे में बहुत सारा वहाँ पे मैंने बता दिया है ट्रांसलेशन करके। अब हम आगे जाएंगे प्रकाशित वाक्य के बाद, इस बात को आप गिनती के पुस्तक में अब दानव के बारे में देखेंगे कि उनकी बस्ती के अंदर जो खेती थी, वो खेती को भी एक अलग प्रकार का उन्होंने सिस्टम बना दिया था। जो सीधे बीज परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो दिए हुए सीधे बीज थे, जिसके द्वारा उसी की जाति उत्पन्न होगी, वहाँ पर भी करप्शन हो चुका था। उसमें ऐसी मिलावट कर दी गई थी कि वो बीज के जो दाख थे वो साधारण दाख नहीं थे, वो अलग प्रकार के, अलग साइज के, अलग कलर्स के, इस प्रकार के उनकी उत्पत्ति होने लगी थी। यानी सिर्फ प्राणियों को ही भ्रष्ट नहीं किया, सिर्फ मनुष्य को ही भ्रष्ट नहीं किया, बल्कि वो खेती के अंदर के जमीन के उपज को भी भ्रष्ट किया गया है। ठीक है, तो आज के समय में भी हम देखते हैं कि हाइब्रिड्स बनाया जाता है, और कितनी सारी चीज़ें आपको हाइब्रिड में ही आजकल अवेलेबल हो जाती है, यानी अलग अलग दो जातियों को मिक्स करके बनाया जा रहा है। अनाज की बात की जा रही है, जो ज़मीन की उपज है उसके बारे में बात की जा रही है, फल फूल पौधे इसके बारे में बात की जा रहे हैं। तो ये करप्शन है, ये परमेश्वर की ओर से ऐसा नहीं था। ये करप्शन आया कहाँ से, ये दिमाग आया कहाँ से, ये नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, सोचने की बात है। इसको पवित्र बाइबल में गिनती के पुस्तक के अंदर ही ये हाइब्रिड का ज़माना बता दिया है, और यंत्र बनाने का ज़माना तो आपको यहेजकेल के भविष्यवाणी में ही बता दिया। ठीक है, और प्रकाशित वाक्य में भी इस प्रकार की बातें लिखी हुई आपने पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे ज़मीन की उपज के बारे में, गिनती की पुस्तक के 13:28 को हम देखेंगे। गिनती की पुस्तक 13:28, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा, दक्षिण देश में अमाले की बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। अब यहाँ पर यहोशू ने जासूसों को भेजा था, जासूसों ने उनकी जो जानकारी लाई फलों के बारे में, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो अंजीर और दाखरस को उठाकर लाने के लिए उनको ऐसे लकड़ी पर टांग के उठा के लाना पड़ रहा था, इतना बोझ था वो, इतने बड़े बड़े वो फल थे। आप देखेंगे उसको तो ये अध्याय में इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो वो हाइब्रिड के फ्रूट्स थे, वो सच में जो परमेश्वर के एक बीज एक जाति को उपजाएगा उस तरह के ये बीज नहीं थे। एक तरफ से बताया जाएगा तो लूसीफर जो आया है वो स्वर्ग में से आया है। ये सारी काबिलियत स्वर्ग के वासियों के अंदर है, समझ में आया? तो इसकी वजह से ये स्वर्ग के अंदर से उतरे हुए जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, इनके द्वारा ये पृथ्वी के ऊपर बदलाव लाया जा रहा है। ये असल में परमेश्वर की ओर का बदलाव नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें स्वर्ग के वासियों के अंदर भी कभी रहता है। जब परमेश्वर ने उनको सृष्टि किया है तो वैसा वो सृष्टि किए हुए है उसके अंदर परमेश्वर ने ये सब कुछ रखा हुआ था, ये काबिलियत रखी हुई थी। इसका मतलब ये सच में उसके मालिक नहीं बन जाते हैं, ये नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि दानव जो है
इन्होंने भ्रष्ट करना जो शुरू किया, ये इनके खुद की काबिलियत में से जो स्वर्ग में उनको दिया था वो काबिलियत से वो वैसे किए जा रहे। मनुष्य के पास ये काबिलियत नहीं है ऐसा करने का। इसके लिए परमेश्वर ने बोला पृथ्वी के ऊपर चाल चलन जो ये दानव जाति जो आई है वो बिगाड़ रहे हैं, मनुष्य के पास ये काबिलियत नहीं है। ये दानवों की काबिलियत जो हुई है ये गिरे हुए स्वर्गदूतों से मनुष्यों में भ्रष्ट किया जा रहा है। उन्हीं ने प्राणियों के अंदर भी ये काबिलियत का इस्तेमाल किया, उन्होंने ही यंत्र बनाने की काबिलियत और ज़मीन के अंदर उपज जो आती है वो काबिलियत को भी भ्रष्ट कर दिया है। देखिए ये सारी चीज़ें दानवों ने क्यों ऐसे अदली बदली कर दिए, उनके सारे हाइब्रिड फ्रूट्स वगैरह सब क्यों बना दिया, क्योंकि वो उनके जो शरीर रचना थी उनके हिसाब से जो परमेश्वर ने बनाया हुआ बीज का खाना था वो मनुष्य के लिए था, वो दानवों के लिए नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जाति जब इतनी अनाकवंशी बोलेंगे तो बहुत जायंट थे वो, उनके लिए वो सब सही नहीं था। वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो सारी चीज़ों को बदल दिया उन्होंने, अपने लिए जो दानव जातियों के लिए जो ठीक लगता था उस प्रकार के उपज को वो पृथ्वी के ऊपर लाना शुरू कर दिए। इसके लिए उनको वो हाइब्रिड करना पड़ा, उसको वो करप्टेड बनाकर भी उसको इस्तेमाल करने के योग्य बनाना पड़ा। आज की दुनिया में आप सोच सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, अभी आपको पता चल जाता है इंजीनियरिंग का मतलब क्या बनता है, और वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका मतलब क्या है, डीएनए के बारे में वो स्टडी करते हैं, और वैसे ही वो पृथ्वी के उपज प्राणियों के उपज सब कुछ के बारे में वो जानकारी निकाल के अपने तरीके के उसका इस्तेमाल करने के लिए वो वैसे स्टडीज़ को इस पृथ्वी के ऊपर लाए हैं। देखिए ये दानव खुद अपने तरीके के वंश के लिए ये सब कुछ कर रहा है, और यही तो बात लूसीफर के अंदर थी। लूसीफर ने यही सोचा था कि अब मैं अपनी दुनिया को बनाने जा रहा हूँ तो मेरा खाना पीना उस तरह का ही मेरे लोगों को मिलना चाहिए। उसने अपनी तरफ से ये सारी तकनीक को इस्तेमाल किया, आइडियाज़ को इस्तेमाल किया उसने, और तरीकों को देखा परमेश्वर किस तरीके से कर रहा है, वैसा ही उसने भी अपने वंश के लिए ये सब कुछ किया। अब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें बनाकर करने के वक्त में उसके पहले उसके पास सोच यही आया था कि मैं परमेश्वर जैसा और परमेश्वर से भी ऊंचा बनूंगा। ठीक है, तो उसका वही उद्देश्य से ही उसने उसको स्वर्ग में से हटा दिया गया था, तो उसका उद्देश्य को वो पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से कर रहा है, और हमको यीशु मसीह के आगमन के लिए यही चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो ये चिन्ह को हमको समझने की ज़रूरत है। ये हाइब्रिड एग्रीकल्चर में हाइब्रिड क्यों शुरू हो गया है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर इतने ऊंची ऊंची इमारतें क्यों शुरू हो गई है, क्या ये अभी की नई तकनीक है? नहीं, ये बहुत पुरानी नहीं, हम बोलने से भी ज़्यादा हमको बाइबल में गिनती के पुस्तक में बाबिल का टावर बताता है ये। ओके, तो ये तकनीक पहले नहीं थी, मनुष्य की नहीं है, ये भ्रष्ट करने वाला स्वर्गदूत जो काम कर रहा था, दानवों की उत्पत्ति कर रहा था, उनके सारे काम उनके वंश के लिए किए जा रहे हैं ताकि उनका वंश इस पृथ्वी के ऊपर उस प्रकार से अपने लाइफ को सस्टेन कर सके। पवित्र बाइबल में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वचन में कि ज्ञान बढ़ता जाएगा, पृथ्वी के ऊपर ज्ञान बढ़ता जाएगा। आप ज्ञानी बन जाएंगे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ज्ञान आपके ऊपर आता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़ लिख कर इस प्रकार से ज्ञानी बनेंगे, बल्कि इस पृथ्वी के ऊपर ज्ञान उतरता रहेगा मनुष्यों के ऊपर, ऐसा लिखा है। वही ज्ञान हम तकनीक के रूप में हम देखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तरीके और तकनीक के रूप में देखते हैं, और हम ऐसे बोलते हैं कि ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। ये एडवांस्ड वगैरह नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, मसीहों को इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। ये आ कहाँ रहा से है और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? मनुष्य के पास ये नहीं है, ये कुव्वत ये काबिलियत स्वर्गदूतों के पास है, मनुष्य के पास नहीं है ये। और वो कौन से स्वर्गदूत है जो ऐसा कर रहे हैं? वो गिरे हुए स्वर्गदूत है जो दानवों के वंश को संभालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब देखिए परमेश्वर के पास भी ऐसे कुछ रहस्य की बातें हैं जो ज्ञान की बातें हैं, लेकिन वो सब कुछ वो सब मनुष्यों के लिए आज़ाद नहीं किया है, वो केवल कुछ ही गिने चुने लोग जो है पुराने नियम में उन्हीं लोगों के ऊपर उसे दिया गया था और दिया जाता था।
और वो स्वप्न में से उस ज्ञान को प्राप्त करते थे और सुबह उठकर उस स्वप्न के अनुसार वो जीवन जीते थे, और वो ज्ञान उनका उस जगह में उस समय के लिए काम कर जाता था। आपने बहुत सारा कुछ ऐसा देखा है पवित्र वचन में से, आपने इसके बारे में बहुत बार देखा है कि परमेश्वर कैसे स्वप्न में से बात किया और सुबह उठकर वो लोग वैसे ही काम करे और उस प्रकार का ही रिजल्ट उनको मिला है। तो ये इस प्रकार का परमेश्वर भी ज्ञान देता है, रहस्य के ज्ञान पुराने नियम में देता था और वो कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर देता था। तो ये इस प्रकार का है कि ये परमेश्वर की कुवत है जो स्वर्गदूतों के पास है, मनुष्यों के लिए नहीं था ये, ठीक है। तो परमेश्वर खुद मनुष्य को जब स्वप्न में कुछ बोलता था तभी वो कुवत उसको मिल जाती थी और वैसा हो जाता था, लेकिन ये मनुष्य के पास कुवत नहीं है। तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं एक इंसान को वो जानते थे और बहुत ही जवान इंसान था वो अमेरिका का इंसान है, वो IBM जैसे कोई तकनीकी टेक्नोलॉजी में रहने वाली एक इंडस्ट्री में काम करता था। वो बहुत ही बड़ी और नामचीन ऐसी कंपनी थी टेक्नोलॉजी में, वो कंप्यूटर की कंपनी है। वो अपने बारे में बता रहा था कि उसने उस कंपनी में ऐसे ही नौकरी तलाश करने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन वहाँ पर उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। और ऐसा हुआ कि वो कंपनी के अंदर, उस बड़ी कंपनी के अंदर एक जो चीफ इंजीनियर था उसने काम छोड़ दिया, अचानक से उसने काम छोड़ दिया। तो उस जगह में वो जहाँ अधिकारी लोग थे वो उस जगह को भरने के लिए सोच में पड़ गए थे। अब इतनी बड़ी कंपनी का चीफ इंजीनियर अगर काम छोड़ देता है तो अब उस जगह पर कौन जाएगा और कि इतनी जल्दी उनको कौन मिलेगा, वो सोच ख्यालों में डूब गए थे और वो बहुत विचलित भी हो चुके थे, क्योंकि कंप्यूटर्स की जानकारी उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी लोगों के बीच में, उसके बारे में अभ्यास भी करने वाले लोग बहुत कम रहा करते थे। फिर उन्होंने पुराने वाले जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन देकर रखी थी उनके खोजबीन की और उसके अंदर उनको इस इंसान का एप्लीकेशन मिला। ये एक एप्लीकेशन उनको याद था कि ये आकर चला गया था, इंटरव्यू देकर चला गया था, इन्होंने उनको सिलेक्ट नहीं किया था। और फिर उसको बुलाया, उस जवान इंसान को बुलाया इंटरव्यू के लिए, दोबारा आने के लिए बोला। और उसको बुलाने के वक्त में उनको कॉल के ऊपर बताया कि अगर तूने ये एक प्रॉब्लम कंप्यूटर का ठीक कर दिया तो तेरा नौकरी पक्का। वो रात को सो गया और अगले दिन उसको जाना था, इसके लिए वो रात को सोया हुआ था। उस नींद में उसने एक छोटी सी वायर को देखा, एकदम छोटी सी वायर को देखा उसने, एक फ्यूज़ के साथ जुड़ी हुई थी और वो बाहर निकली हुई थी। ऐसी तार उसने देखी जो एक छोटी सी तार थी जो फ्यूज़ के साथ जुड़ी हुई थी और वो फ्यूज़ में से बाहर निकली हुई है, और वो जो थी वो बहुत ही बड़ी पेचीदा लगने वाली मशीन के अंदर, गड़बड़ी के अंदर वो फ्यूज़ निकली हुई उसने तार देखी थी। और फिर सुबह उठकर जब वो कंपनी के हिसाब से चला गया वहाँ पर और उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया गया था, तब उसने देखा कि सारे लोग उस चीज़ को, कंप्यूटर की जो बिगाड़ है उस चीज़ को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और पूरे हालत ख़राब हो चुकी। इस अवस्था में वो ढूंढ रहे थे कि इस चीज़ का सुलझाव कैसे किया जाए। और ये इंसान जो नींद में स्वप्न के द्वारा देख चुका था इसके बारे में, तब वो उसने आकर वही किया, उसने आकर उस जगह में एक छोटी सी तार को ढूंढ निकाला जिसके बारे में उसने स्वप्न में देख रखा था नींद में, और उसने उसी तार को जहाँ से निकली थी वहाँ पर उसने फिक्स कर दिया। बस वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कंपनी वाले खुश हो गए और उसको वो चीफ इंजीनियर के पोजिशन पर रख लिया। देखिए ये एक रात में आया हुआ स्वप्न के द्वारा उसको चीफ इंजीनियर बना दिया, समझ में आ रहा है आपको। उसकी पढ़ाई ने नहीं बनाया, उसके तकनीक से तो उसने उसकी पढ़ाई की तकनीक, उसके पास जो ज्ञान था उसके हिसाब से तो उसने एप्लीकेशन दे रखा था, उसकी पढ़ाई काम नहीं आई, ठीक है, उसका ज्ञान काम नहीं आया। उसने कितने सारे साल बर्बाद किए होंगे उस पढ़ाई को करने के लिए, कितने पैसे बर्बाद किए होंगे और कितना सारा ढेर सारा उसने मेहनत किया होगा। लेकिन देखिए IBM कंपनी का ये पोजीशन, चीफ इंजीनियर का पोजीशन वो प्राप्त नहीं कर पा रहा था,
एक स्वप्न उसने देखा सिर्फ, और वो स्वप्न का इस्तेमाल उसने जाकर IBM कंपनी के लोगों के बीच में कर दिया, क्योंकि उसको वही स्वप्न आया था कि ये लोग जो सुलझा रहे, सुलझने की कोशिश कर रहे, वो ये है कि उसके अंदर की एक तार है जो फ्यूज़ में से निकल चुकी है। ये स्वप्न उसको आया था, उसने जाकर उसी फ्यूज़ के अंदर वो तार को दोबारा जोड़ दिया और मशीन शुरू हो गई, और उसका चीफ इंजीनियर के पोजीशन के ऊपर उन लोगों ने उसको ले लिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो दर्शन, ये जो स्वप्न के नींद के अंदर से उसको चीफ इंजीनियर बनने का रास्ता देने वाला कौन था? ये आप सोच सकते हैं, ये कौन था? ये मनुष्य की कुवत नहीं थी, इसको अदृश्य में से दिया गया ज्ञान था। तो इस प्रकार से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता जा रहा है आज के वक्त में पृथ्वी के ऊपर, लेकिन ये ज्ञान जो है ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। मतलब आज जो पृथ्वी के ऊपर हम एडवांस 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 बोलते जा रहे, ऐसे सारी चीज़ें एडवांस में जो देखते हैं खेती बाड़ी में, आप देखते हैं कि वो हाइब्रिड बनते जा रहे, मिक्सचर टाइप के फल फूल बनते जा रहे, और आप प्राणियों में भी मिक्स्ड हाइब्रिड्स देखते हैं, मनुष्यों में हाइब्रिड्स चेंज होते हुए देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो ये ज्ञान परमेश्वर का नहीं है, ये स्वर्ग के लोगों के द्वारा आता है, जो स्वर्ग के स्वर्गदूत है, जो शैतान है उसके स्वर्गदूत, उसके फैली हुई जो आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं, उसके द्वारा ये सब कुछ आता है। अब वो मनुष्य जो सोया हुआ था, उसने नींद में ये तार का भेद जाना था कि वो फ्यूज़ में से निकला हुआ है। ये एक देखिए, इस प्रकार का जो ईश्वरीय परमेश्वर की ओर से भी ज्ञान बुद्धि समझ हम सबको मिल सकता है और हमारे काम बन जाते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर हमको देता है वो अलग है, लेकिन आज दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसमें फ़र्क करना सीखिए आप। अब हम भी देखिए, लूसिफर इतना एडवांस एडवांस बोल के लोगों को अचंभित करता जा रहा है, उनकी उसके वो मनुष्यों के अंदर ऐसे ऐसे भेद को खोल रहा है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी बोलकर देखा जाएगा तो वो अपने वंश को संभाल रहा है। समझ में आया? जो मिक्स्ड जाति पृथ्वी के ऊपर आ चुकी है उसको वो संभाल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये बनती है कि क्या सिर्फ लूसिफर के लोग ही इस प्रकार के एडवांस एडवांस बोलकर बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर, हमारे जो परमेश्वर है वो खुद उसका सृष्टि करता है। ठीक है, तो वो लूसिफर का अपना खुद का रोल नहीं है, वो उसको परमेश्वर की ओर का बनाया गया है वैसा। लेकिन हम मनुष्यों के लिए भी परमेश्वर उसके स्वर्गदूत देता है, और वो स्वर्गदूत के द्वारा जब हमको मालूम पड़ता है और हम उस प्रकार से काम करते हैं, तो ये काम अचंभित करने वाले जो होते हैं वो हमारे ज्ञान बुद्धि से नहीं होता है, वो हमको समझ में आना चाहिए परमेश्वर के स्वर्गदूतों से ही हो रहा है। अब हम जो मसीह के अंदर आए हैं, इतना तो हम समझ सकते हैं कि हम भ्रष्ट किए गए जाति में से नहीं हैं, क्योंकि जो भ्रष्ट किए गए जाति में से है वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने आने का रास्ता भी नहीं रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर की खरी जाति है, सीधाई और खराई के मनुष्य की जाति है, और हमको परमेश्वर ने उसके स्वर्ग के दूतों के साथ कांटेक्ट में रखा है। तो अगर स्वर्ग लूसिफर स्वर्गदूत होके दुष्ट लोगों के साथ इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, तो हमारा परमेश्वर उससे भी ज़्यादा है। वो तो सृष्टि करता है हमारे लिए, वो हमारे लिए कितना कुछ कर सकता है अदृश्य में से, हमको समझ में आना चाहिए, हमने उसका कितना लाभ उठाना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है आज जगत के अंदर परमेश्वर का हमने कितना फ़ायदा उठाना चाहिए? क्योंकि वो लूसिफर होते हुए, यानी वो सृष्टि किया हुआ होते हुए, वो दुनिया के लोगों के अंदर इतना कुछ ला रहा है। हम परमेश्वर के जन हैं, हमारे जीवन को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम कितना कुछ इस पृथ्वी के ऊपर मसीहों के लिए, अपने लिए और सब कुछ जो सुसमाचार के लिए है, हम कितना कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान बुद्धि समझ को अपने लिए मांग कर कितना कुछ हमारे लिए प्राप्त कर सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो जो कर रहे दुनिया के अंदर उस एडवांस से भी ज़्यादा हम अपने द्वारा कर सकते हैं इस पृथ्वी के ऊपर।
सब कुछ हम बाहर से सिद्धता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल परफेक्शन को ढूंढते हैं, सिद्ध होने की कोशिश करते हैं, सही ढंग का कुछ तो सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिद्धता बाहर नहीं है, वो आपको अंदर से मालूम पड़ना चाहिए। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं और आपके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत अवेलेबल है आपको सब कुछ प्राप्त करके देने के लिए। बाहर की तरफ नहीं है, आपके अंदर का परमेश्वर के साथ का रिश्ता वो आपको सब कुछ करके देगा। इसके लिए मसीहों को यह जानकारी लेना ज़रूरी है कि आज दुनिया के अंदर आपको अचंभित करने जैसा कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आप इतने पुराने समय से बाइबल में लिखा हुआ है, उस जगह से आप इन बातों को देखते हुए आए हैं। प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर ने भी बोला, मैं ऐसा एक नया शहर बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, परमेश्वर खुद ऐसा शहर को बना के तैयार करके फिर पृथ्वी के ऊपर लाने के लिए जा रहा है। और आप सोचो, ये बातें आप आज जो देख रहे हैं, एडवांस 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 बोल रहे हैं, मॉडर्न बोलते हैं और कितना कुछ उसके बारे में अचंभित अचंभित करने वाली बातों को शब्द उठा उठा कर एक्साइटमेंट दिखाते हैं, ये सारा जो आ रहा है, ये शैतान के वंश अपने वंश को संभालने के लिए कर रहा है, दानव वंशियों को जीवित रखने के लिए। और उसकी तैयारी में है वो कि उसका आने का समय है, और मतलब यीशु मसीह जब आएगा उसके बाद एंटी क्राइस्ट जो यीशु नहीं है वो यहाँ पे शुरू हो जाने वाला है, उसके तैयारी में लगा हुआ है। और आप उसमें भूल रहे हैं कि आप यीशु मसीह में उठाए जाने वाले हैं, और ये एडवांस 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 चीज़ों के पीछे अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए आपको क्या चाहिए। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा ये सब कुछ आपको देगा। आप किसके पीछे जा रहे हैं आपको ध्यान देना है। अब जो भी दुनिया के अंदर आज देख रहे हैं, ये सारा लूसिफर एंटी क्राइस्ट को आने की तैयारी को किया जा रहा है। उस तैयारी के पीछे आप अमेजिंग अमेजिंग ऑसम ऐसे कमेंट्स दे देकर उसके पीछे पीछे भाग रहे मूर्ख की तरह हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में नहीं देख रहे आप कि परमेश्वर का है ये सब कुछ, और लूसिफर परमेश्वर का किया हुआ सृष्टि है, और वो भ्रष्ट किया आ रहा है, और अभी भी वो भ्रष्ट करता हुआ ही अपने समय के लिए तैयारी कर रहा है। और आप मूर्ख बन के वो मसीह होकर भी उसके सारे अमेजिंग अमेजिंग ऑसम ऑसम करके उसके पीछे पीछे दौड़ रहे आप लोग। आपको समझ में आना चाहिए ये सब कुछ वो अपने एंटी क्राइस्ट आने के लिए तैयारी कर रहा है। आप यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। आप परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आपसे उससे भी ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप इस दुनिया के लिए नहीं है, आप इस दुनिया के स्पीड में नहीं जाना है। आपको जहाँ पर जाना है वो परमेश्वर की ओर ध्यान दो। वो स्वप्न में से एक इंसान को चीफ इंजीनियर बना सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के द्वारा वो कुछ नहीं करना चाहता है। आप परमेश्वर से जुड़े रहो, उसके पास वो कुवत है, स्वर्गदूत से वो कुवत मनुष्य को दी जाती है। आपको समझ में आ रहा है, दुनिया के अंदर लोगों को ये कुवत स्वर्गदूत दे रहा है, और वो देने वाला कौन है? लूसिफर, उसकी सेना है, वो दे रहे हैं लोगों को, और दुनिया के अंदर चकाचौंध बनता जा रहा है, लेकिन वो मसीहों के लिए नहीं बनता जा रहा है, वो आने वाले क्रिस्त विरोधी का समय को समझते हुए रचना किया जा रहा है। वो जब आप परमेश्वर के संगति में स्वर्गदूतों से कुछ प्राप्त करके कुछ करोगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो परमेश्वर का आप वंश को संभालने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो शैतान की ओर से अभी हो रहा है दुनिया के अंदर, वो उसके वंश को संभालता हुआ मसीह विरोधी आने का रास्ता बना रहा है वो। और वो परफेक्शन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो परफेक्ट जगह परफेक्ट चीज़ों के साथ परफेक्शंस के साथ उसको वहाँ पे मसीह विरोधी का रास्ता तैयार करके शुरू करना है। और देखिए, उसके पीछे दौड़ने वाले लोग भी उसके साथ ही रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो लोग मसीह के आने का इंतज़ार नहीं करेंगे, वो यही बातों के पीछे रहेंगे, अपने बेटों को लड़कियों ढूंढने के लिए, शादी के लिए, और अपने बेटियों को ब्याह में देने के लिए। ये नूह का समय ऐसा रहने वाला है, मनुष्य अपने अपने व्यवहारों में बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। और उनको हाइब्रिड से कोई मतलब नहीं है, वो आराम से उसके अंदर रह लेंगे, जी लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका मन भ्रष्ट हो चुका है। इन चाल चलन को वो आसान समझते हैं, और उसके अंदर वो अपने मन को लगाकर जीने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके बीच में फंस जाओगे। मसीह आने वाला है, ये उसका चिन्ह है।
ओके तो ये रास्ते आप समझ जाइए, इसके पीछे मत जाइए आप। अब आपको ये देखना है कि आपने यीशु मसीह आना है, इसकी तरफ ध्यान रखो। यीशु मसीह से आप मांगो, आपको जो ज्ञान बुद्धि चाहिए, जो जॉब चाहिए, जो कुछ भी दुनिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ आप परमेश्वर के ओर देखो, मांगो। उसके स्वर्गदूत आएंगे और आपको दिलाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए ये बात। आपका समय यीशु मसीह के लिए अब इंतज़ार में लगाना है, तैयारी उसके लिए करना है, ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे जाकर। आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के काम करने से आपकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, इस प्रकार के बिजनेस करने से आपका ये हो जाएगा, इस प्रकार से आप अगर कुछ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वहाँ ये सारा चीज़ वो जस्ट एक आपको दे रहे रास्ता है, वो स्वर्गदूतों से लेकर आके आपको दे रहे। आप परमेश्वर की ओर से लेकर कीजिए। जगत के अंदर, संसार के अंदर अपने रास्ते मत ढूंढिए, वहाँ पर अभी आपके लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। ये वो समय नहीं रहा अभी, ये सिर्फ जो आने वाला समय है, जो शैतान का, जो मसीह विरोधी आने का समय हो चुका है, उसके लिए वो तैयार कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है, अपने वंश को संभालने के लिए कर रहा है। आपको उसके अंदर अपने रास्ते नहीं ढूँढना है। आप देखिए ये जो 27 वचन है, इसमें आप देख सकते हैं, जो गिनती की पुस्तक है 13 अध्याय का 27 वचन, इसमें देखो, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। तो देखिए उस देश के अंदर उस मूसा ने भेजा था, आप समझ सकते हैं वो देश कौन सा था। वो देश वो था जहाँ पर दूध और मधु बहता था, यानी अनाक वंशियों ने वो पानी बहने वाली जगह को, जो नदियों में पानी बहता है, उस जगह को उसको दूध और मधु से भर दिया था। आपको चमत्कार समझ में आता है इसका? ये कुवत है, ये स्वर्गदूत किया है वहाँ पर। आपको समझा? उनके अनाकवंशी थे, यानी वो दानव जाति थे। दानव जाति अपने आप को सस्टेन करने के लिए उन्होंने फ्रूट्स, फल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसा सब कुछ उनके हिसाब का बनाया, उसकी ग्रोथ उनके हिसाब के, साइज़ उनके हिसाब से, और शहर भी उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी, तकनीकी इस्तेमाल करके किया जा रहा था। ओके तो आपको ये जगह में जब इज़राइल लोग गए अंदर, तो उस जगह में दूध और मधु ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आज भी जाकर देखिए इज़राइल के नदियाँ, उस जगह की बात जहाँ पर दूध और मधु बहने की बात की गई थी, वो सूखे नाले की तरह पत्थरों से भरी हुई है, कोई वहाँ पे पानी तक नहीं है। तो वो अनाकवंशी जब थे, उसके कारण वो, उसने, उन्होंने अपने लिए किया हुआ चमत्कार था वो। अगर आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मूसा ने जो जासूस लोगों को भेजा था, उन्होंने क्या क्या वर्णन किया। आप देखिए वहाँ 30 वचन से आगे, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप, एक मिनट, आप 28 पढ़े थे, 28 को फिर से पढ़ते, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। आप इसमें आप पढ़ते जाएंगे तो आगे आपको मिलेगा इसके बारे में क्या लिखा है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। क्या उन्होंने झूठ बोला था ये? नहीं, ठीक है। उनके ऑब्जर्वेशन में क्या ये गलत था? बिल्कुल नहीं। उनका दिमाग इस बात का समझ रख रहा था कि वो मनुष्य है और अनाकवंशी मनुष्य के काबिलियत से भी कुछ और ज़्यादा है। आपको समझ में आया फ़र्क कैसा उनके और मनुष्य, सही मनुष्य जाति और वो मनुष्य जाति जो वो देख रहे थे अनाकवंशियों को, क्या फ़र्क बताया उन्होंने? और उन्होंने क्या बोला,
और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढाल के हैं। देखिए, ये मनुष्य जाति एक साधारण सोच का मनुष्य, खरा खरा मनुष्य जाति कभी भी स्वर्ग दूतों से तैयार की हुई जाति का सामना नहीं कर पाएगा। आपको समझ में आया? स्वर्गदूत का सामना मनुष्य नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को वो कुवत दिया ही नहीं है। यहाँ से समझ में आता है कि आप ये बात को समझ जाइए, जो इंसान को आप डरते हो, जिस इंसान का बल आपको डराता है, वो साधारण इंसान नहीं है। उसके अंदर स्वर्गदूत का जो मिलाप हो चुका है, ऐसा भ्रष्ट किया गया वो इंसान है। आपको समझ में आया? वो आप खरे मनुष्य की जाति है तो आप उसको समझ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जाति ऐसों का सामना नहीं कर सकती है। आपको समझ में आया ये बात? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, बड़े डील डॉल के है। और 35 वचन देखिए क्या लिखा है, 33 वचन देखिए क्या लिखा है। फिर हमने वहाँ नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में, ठीक है, यानी साधारण जो सहज तरीके का जो सच में खरा मनुष्य है उसके बारे में देखिए, वो अपने दृष्टि में उसके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ता था पड़ते थे। देखिए, ये बात को आप समझ जाइए, जो स्वर्गदूतों की ताकत और कुवत को लेकर काम करता है, अगर लूसीफर की कुवत ये अनाकवंशियों में इसराइली देख कर घबरा गए थे, तो आप अपनी दुनिया के अंदर, आज की दुनिया के अंदर ऐसे स्वर्गदूतों की काबिलियत को लेकर घूमने वाले इंसान को क्यों नहीं डरेंगे? समझ में आया? ये काबिलियत का इंसान जो रहता है वो साधारण मनुष्य उसको झेल नहीं सकता है। आपको समझा? इसके लिए आपको क्या समझ में आता है, अगर ये साधारण तरीके से एक लूसीफर इंसानों के अंदर से इतनी बड़ी ताकत को, काबिलियत को देकर मनुष्य के बीच में थ्रिएट्स पैदा कर सकता है, डर पैदा कर सकता है, इतना कुछ हानि कर सकता है, आपको समझ में आना चाहिए परमेश्वर का बनाया वह सृष्टि है लूसीफर, वो काबिलियत यहाँ पे ऐसे काम कर रही है मनुष्यों के अंदर। आप परमेश्वर के संतान हो, बच्चे हो, आपके लिए परमेश्वर उसके स्वर्गदूत क्यों नहीं देगा? आपके काबिलियत में उसके स्वर्गदूत जब काम करना शुरू करेंगे, तो वो स्वर्गदूत का काम इन सब से बहुत ज़्यादा सामर्थ्य के साथ रहता है। इस बात की आप समझ कहाँ पर प्राप्त करते हैं? यहोशू और कालेब में प्राप्त करते हैं। आपको समझ में आया? यहोशू और कालेब एकमात्र दो चुने हुए लोग जिनको स्वर्गदूत की काबिलियत मिली थी, परमेश्वर की ओर से मिली हुई थी। वो काबिलियत को उन्होंने कैसा बयान किया कि हम उस देश में जा सकते हैं और उन अनाकवंशियों को मार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आपको समझा? ये स्वर्गदूत कुवत देता है तो वो परमेश्वर का नाम लेके देता है। दाऊद जब गोलियात को मारने के लिए उठा, तो दाऊद ने परमेश्वर का नाम उठा के गोलियात को मारा। समझ में आया आपको? ये स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से जब हमारे साथ रहते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को उठा के उनका सामना करते हैं और वो हार जाते हैं। वो हार जाते हैं, ये अनाकवंशी हार चुके, यहोशू कालेब अंदर जा चुके उस देश में और वो कब्जा कर लिए हैं उस देश को। आपको समझ में आ रहा है? आपको ये बहुत गहरी बात आपको समझ में आना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर आज कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो परमेश्वर के अंदर है। ओके, वहाँ उस वचन में आपने देखा अनाकवंशी लिखा है, वो अनाकवंशी यानी वो दानव है। आपको समझा? जो आपने उत्पत्ति के 6 अध्याय में देखा कि दानवों को तैयार किया गया, वो शूरवीर थे, वही बात को आप अभिगिनती के पुस्तक में 13 अध्याय के 18 वचन, 13 अध्याय का 28 वचन में आपने वही देखा, वो कैसे थे, वो बलवान थे, ठीक है। और वो अभी वर्णन करके जब आए वहाँ से जासूसी करके, मूसा ने भेजा था उन लोगों को, तो जासूसी करके आए, सिर्फ दो, यहोशू और कालेब सिर्फ स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से उनका बैकिंग में था, इसके लिए वो
कुछ अलग रिपोर्ट दिए, लेकिन बाकी लोगों ने सीधे सीधे बताया एक खरा मनुष्य जो रहता है उस तरीके का वर्णन उन्होंने किया कि ये जो है ये अनाकवंशी है और इनका सामना एक साधारण मनुष्य जाति नहीं कर सकता है। जिसके बैकिंग के साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत है तो वो परमेश्वर का नाम लेकर उस प्रकार के काबिलियत रखने वाले इंसानों को हरा देगा, लेकिन जिस इंसान के बैकिंग में परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर का स्वर्गदूत भी फिर नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, तो फिर आप समझ जाइए ऐसे अनाकवंशियों का, ऐसे प्रकार के लोगों का जो आपको थ्रिएट पैदा करते हैं, उनका आप सामना नहीं कर पाओगे। आपको स्वर्गदूतों की ज़रूरत है, आपको टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया के अंदर वाव वाव करने की ज़रूरत नहीं, ऑसम अमेजिंग कमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे हक्के बक्के करने वाले टेक्नोलॉजी आज मनुष्य के अंदर लूसीफर रिलीज करता जा रहा है, वो परमेश्वर नहीं दे रहा है, वो आने वाले मसीह विरोधी के लिए तैयारी कर रहा है। आप उसके बीच में मत फंसिए। आपको क्या चाहिए वो सब कुछ आप परमेश्वर से मांगिए। आपकी कुवत वो स्वर्गदूतों को देकर करेगा, स्वप्नों को देकर करेगा, आपके रास्ते वो खुद बनाएगा, क्योंकि अभी यीशु मसीह आने का समय हो चुका है। आप उस बातों के तरफ मत जाओ जो संसार के अंदर आज आपको दिख रहा है। ये सारी बातें पहले वचन में लिख चुकी बातें हैं। गिनती का पुस्तक, बस 2-3 पुस्तक छोड़ के गिनती का पुस्तक आ जाता है। आप सोचिए, उत्पत्ति के बाद बस 2 किताबें छोड़कर गिनती का पुस्तक आ जाता है। आप सोच कर देखिए इसे कि इतनी पुरानी बातें हैं टेक्नोलॉजी। ये कोई ऐसी बात नहीं कि मनुष्य के अंदर की बातें हैं, ये स्वर्गदूतों के द्वारा भ्रष्ट करते करते आया हुआ स्वर्गदूत है मनुष्यों में, उस प्रकार से आज वो बढ़ता जा रहा है। आपके लिए मैं 33 वचन दोबारा पढ़ती हूँ। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय का 33 वचन देखिए। फिर हमने वहाँ नपीलों को, ये नपीली कौन है? ये वही है जो नेफिलिम इंग्लिश में बोला गया है, ये नेफिलिम है। आपको समझ में आया? नेफिलिम यानी आपको मालूम है कौन है, उसका इब्रानी का अर्थ नफास। ओके, नेफिलिम ये शब्द यानी कि गिरा हुआ स्वर्गदूत। ओके, और उसको इब्रानी भाषा में जब शब्द बनाया गया तो वो नफास कहा गया। ये बात आपने उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में जब आप पढ़ रहे थे तभी आपको मालूम, मैंने सिखाया इस बात को, प्रोफेट यूबर्ट एंजल जी जो सिखा रहे वो बात को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये वही नपीलो लिखा है तो ये नेफिलिम ही के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, यानी गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में। और यहाँ लिखा है अर्थात नपीले जाति वाले, यानी वो दानव जातियाँ हैं। ठीक है, वो नपीली जाति वाले कौन, दानव जाति का नाम क्या दिया है? अनाकवंशी। ठीक है, अनाकवंशी ये नपीली जाति है, मतलब गिरे हुए स्वर्गदूतों ने स्त्रियों के साथ विवाह करके, मनुष्य की बेटी के साथ विवाह करके जो संतानें उत्पन्न की उनकी जाति है ये नपीली यानी नेफिलिम, और यही अनाकवंशी उनकी जाति है। और जो गोलियात था वो भी अनाकवंशी ही था। तो आप देखिए गिनती के पुस्तक में अनाकवंशियों का सामना कर रहे हैं यहोशू और कालेब, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो गोलियात को तो मारने के लिए दाऊद बहुत आगे का समय में आपको मालूम पड़ा, लेकिन अभी तक दाऊद आया भी नहीं है, उसका जन्म भी नहीं हुआ है। यहाँ गिनती के पुस्तक में ही अनाकवंशियों का सामना इसराइल कर रहे हैं। बस अभी मिस्र देश से ही निकले हुए लोग हैं ये, और तुरंत अनाकवंशियों का उनका सामना हुआ, यानी गोलियात के ही जाति के लोग, पीढ़ी के लोगों का इन्होंने सामना किया है। फिर भी दोबारा देखिए, गोलियात ने परमेश्वर के नाम से गोलियात को दाऊद ने परमेश्वर के नाम से मारा। तो आप समझ जाइए यहाँ भी जो कालेब और यहोशू है वो यही बता रहा है कि परमेश्वर के नाम से हम इन लोगों को हरा सकते हैं, क्योंकि ये कुवत परमेश्वर की है। वो परमेश्वर हमको इसके स्वर्गदूतों से काम करवाएगा और ये ज़मीन खाली करके देगा। हमने देखा 13 अध्याय के 28 वचन से 33 वचन तक कि मूसा ने भेजा था। ठीक है, और वो लोगों के रिपोर्ट को हमने देखा क्या है। अब हम 14 अध्याय के 9 वचन को देखेंगे। 14 अध्याय का 9 वचन क्या बताता है? केवल इतना करो, 8 वचन से पढ़ेंगे, और यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम को उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है
पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। ये यहोशू और कालिब ने इसके बारे में बता दिया, ठीक है। और देखिए 9 वचन बताता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। क्या क्या कंडीशन डाला उसने, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के बारे में अविश्वास मत दिखाओ, उसको रिस्क मत दिलाओ, उसको गुस्सा आने वाला काम मत करो, उसके विरोध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो। यानी वो निश्चित है कि आपको डराने वाले लोग हैं। वो निश्चित क्यों क्यों निश्चित है, क्योंकि वो स्वर्गदूतों का सहारा लिए हुए लोग हैं, ठीक है। और वो भी लूसीफर के सहारे से वो अपने बल को मनुष्य जाति ले रही है और वो आपका सामना कर रही है, तो वो आपको डरने के लिए ही करा रही है, राइट। तो वो कह रहा है कि तुम इतना ही करो, सबसे पहले तो तुम परमेश्वर के विरोध मत जाओ, ठीक है, और दूसरा काम ये करो तो तुम उससे डरो मत, ओके, बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लड़ाई का जीतने का यहोशू और कालेब अपने मुंह से जो अंगीकार कर रहे, इनकी ताकत वो कहाँ पर दिखा रहे थे, इनकी ताकत पवित्र जीवन जीने में दिखा रहे थे वो, ओके। सबसे पहला काम उसने क्या बोला कि तुम यहोवा को, यहोवा से बलवा मत करो, ठीक है, तुम उसके सामने बलवा मत करो, यानी तुम उसके सामने अपने मुँह की ढिटाई मत दिखाओ, ठीक है, यानी अविश्वास मत दिखाओ तुम, ठीक है। और दूसरी बात उसने क्या कहा कि तुम उनसे डरना भी नहीं है, क्योंकि उनका बल डराने के लिए ही है और वो जैसा तुम वर्णन कर रहे हो बिल्कुल वैसा ही वो कर सकते हैं, कोई खामी नहीं है, सही है जो तुम वर्णन कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अब एक काम वहाँ पर हो चुका है, यहोवा की छाया उनके ऊपर से निकल गई है, यानी प्रोटेक्शन हटा दिया जाता है शैतान के लोगों के ऊपर से। आपको समझ में आया, जब वो प्रोटेक्शन हटा दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, कभी वो हटाया जाता है जब आप पवित्र जाति में आ जाते हैं, जब आप पवित्रता में आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर को अविश्वास नहीं दिखाते हैं और आप उन लोगों से नहीं डरने की आप अपने अंदर ठान लेते हो, समझ लेते हो, फिर जाके अब क्या आपको मालूम करना है कि यहाँ पर यहोवा का जो प्रोटेक्शन था, देखिए धर्मी और अधर्मी दोनों को परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके लिए अनाकवंशी यहाँ पृथ्वी पर रह रहे थे, इसका मतलब परमेश्वर उनको कम्प्लीटली नाश नहीं किया था, वो सब जगह पर अपने सूरज को देता है और सारे सीजन्स उनके साथ रखता है, नहीं तो वो पेड़ पौधों के हाइब्रिड नहीं कर सकते थे, प्राणियों के बीच में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे, मनुष्यों के बीच में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए पृथ्वी के ऊपर ये सारा चीज़ को परमेश्वर के फेवर के नीचे जो कुछ भी आता था उसका उन्होंने भी फ़ायदा उठाया, ओके। उन्होंने पेड़ पौधों का फ़ायदा उठाया, फलों को चेंज कर दिया, प्राणियों को चेंज कर दिया, मनुष्यों को चेंज किया, अपने तरीके से उन्होंने अपने वंश के लिए जो सूटेबल है वो बना के ले लिया, ठीक है। तो परमेश्वर उसको होने दिया, लेकिन अब क्या है, अब छाया निकाल दिया परमेश्वर ने, यानी उनके ऊपर का प्रोटेक्शन हटा दिया परमेश्वर ने, ऐसे मनुष्यों को अनप्रोटेक्टेड कर दिया परमेश्वर ने। बस वो एक सीक्रेट है जो दाऊद को मालूम था और उसने वो गोलियात को मारा, ये एक सीक्रेट है, हमको मालूम रहना चाहिए। और हमारे सामना करने वाले ऐसे स्वर्गदूतों का जो ताकत लेके इंसान हमारा सामना करता है उसको हराना, यही सीक्रेट है कि हमारा पवित्र जीवन और परमेश्वर पर विश्वास उसको हराने का काबिलियत है, ठीक है। और ये समय उसका प्रोटेक्शन निकल गया है, वो खुद भी नहीं जानते हैं, समझ में आया। उसका प्रोटेक्शन तो गया ही गया, और जब वो देश यहोशू और कालेब के हाथ लगा, उस देश में वो पहुंच गए, तो ये प्रूफ देता है कि वो प्रोटेक्शन उस अनाकवंशियों से ख़त्म हो चुका था। जब ये लोग चले गए वहाँ पर देश के अंदर, तब देखिए इसराइल के अंदर वो दूध और मधु की नदियाँ नहीं है, वो पथरीली ज़मीन हो गई है, वहाँ पर पानी तक नहीं है, यानी वो कुवत स्वर्गदूत से उन अनाकवंशियों के फेवर में वो सब कुछ किया जा रहा था। कौन स्वर्गदूत? लूसीफर। वो उनके वंश को संभालने के लिए, उनके हिफाजत के लिए, उनके ताकत के लिए वो सब कुछ कर रहा था।
आपको समझ में आया हाइब्रिड की दुनिया क्यों चल रही है आजकल, आपको समझ में आया तकनीकी दुनिया आजकल क्यों ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों के अंदर वो मसीह विरोधी आने का वंश को संभाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा यहोवा ने छाया हटा दिया है उनके ऊपर से, यानी प्रोटेक्शन हटा दिया है उनके ऊपर से, यानी उनका अभी कितना कुछ है उनके पास, टेक्नोलॉजी है, वेपन्स है, हथियार है, इंजन से यंत्र है, और लड़ाई करने वाले लड़ाकू लोग भी है, और उनके सारे घोड़े सब कुछ रथ फिरौन की तरह उनका शहंशाह है। ठीक है, लेकिन फ़ायदा है कुछ नहीं। जब यहोवा का प्रोटेक्शन हटा दिया जाता है वहाँ पे कोई हथियार काम नहीं करता है और कोई ताकत किसी भी जरिए की काम नहीं करती है। जहाँ तक यहोवा का प्रोटेक्शन है वो बचे रहेंगे, जहाँ यहोवा का प्रोटेक्शन हटा दिया जाता है ख़त्म, वो इंसान का ताकत ख़त्म हो जाता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो ख़त्म हो जाता है। आपको समझ में आया ये बात? यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए आपके शत्रुओं से आपको क्यों नहीं डरना है। ठीक है, ये सीक्रेट है, आप मसीही है, आप परमेश्वर में है, आप पवित्र जीवन के लिए चुन लिए गए हैं, आप खरे मनुष्य में इन आप ऐड हो चुके हैं, गिनती हो चुके हैं, अब आपके साथ परमेश्वर है। चाहे भले कुछ भी यंत्र, कुछ भी हथियार, कुछ भी तैयारी, कुछ भी रहे शत्रु के आपके विरोध, लेकिन आपको ध्यान रहना है, आपको परमेश्वर की ओर से जब मालूम पड़ता है वहाँ पे आप समझ जाइए, परमेश्वर जब आपकी ओर से तो आपका विरोधी कोई बन नहीं सकता है। ठीक है, आपका विरोधी कोई नहीं बन सकता है, आपके लिए परमेश्वर की ओर से ये सारी बातें नियोजित की गई है, लेकिन आप डरेंगे, आप अविश्वास दिखाएंगे तो आप परमेश्वर के विरोध जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको अविश्वास भी नहीं दिखाना है, क्योंकि वो सब कुछ आपको अब मालूम पड़ गया है कि वो स्वर्गदूतों के सहारे से करते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के ऊपर मनन करते रहना है और परमेश्वर उनके ऊपर से वो सारा छाया हटा देता है जो उनको लगता है बाउंड्री प्रोटेक्शन की, वो बाउंड्री बाउंड्री नहीं रहती है। और परमेश्वर, आप समझ जाइए यहोशु ने क्या बोला वहाँ पर, कि वो हमारे लिए रोटी है, ख़त्म, उस उनकी ताकत हमारी प्रार्थनाओं से उड़ जाती है, उड़ा दी जाती है। ठीक है, तो कितना समझ की बात है यहाँ पर हमको, कि ये स्वर्ग के ताकतों को एडिशन करके मनुष्य बलवान बनते हैं, टेक्नोलॉजी आती है और हम मसीह उसके पीछे पागलों की तरह निकल जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता है, क्योंकि अज्ञानता है हमारे अंदर, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको परमेश्वर ने किस बात के लिए चुना है। पवित्र जीवन जीने का आप अभी सहारा लीजिए और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जिए, और साथ में यीशु मसीह के आगमन के लिए आपको तैयारी में रहना है। ये सब कुछ स्वर्गदूतों के कुवत से मिलता है, आपको परमेश्वर के स्वर्गदूत सब कुछ दिलाएंगे। आप दुनिया के अंदर ढूंढने के लिए मत जाइए, आप परमेश्वर से रिश्ता कायम कीजिए, बाकी सब चीज़ें आपको परमेश्वर के स्वर्गदूत निकाल निकाल कर आपके लाइफ में एडिशन करते जाएंगे। अभी ये पुराना नियम है, अब आप सोचिए यहाँ पर अगर उनको अनाक वंशियों को मारना है तो निश्चित है कि यहाँ पे मनुष्य मनुष्य के हथियार के युद्ध छिड़ जाना है। यहाँ पे उनका अनाक वंशियों का प्रोटेक्शन निकाल देने के कारण अब इजरायली जब हथियार उठाएंगे तो वो हथियार काम करेंगे, लेकिन अनाक वंशी जब हथियार उठाएंगे वो हथियार काम नहीं करेंगे, यानी हथियार का भी बल तोड़ दिया जाता है। आपको समझा, हथियार भी बल छोड़ देता है जब परमेश्वर की छाया लोगों के ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, तो आपको हथियार से भी नहीं डरना है, आपको कोई चीज़ से नहीं डरना है। जब आप मसीह के अंदर आते हो, आपको सब कुछ आपका सामना करने वाले का प्रोटेक्शन हटा देने से वो सब कुछ उनका निष्फल हो जाता है। आप प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा आप शत्रु को हरा सकते हैं। देखिए, जो जासूस लोग जाकर आए थे उन्होंने बोला बड़ी बड़ी दीवारें लगी हुई है और बहुत सारे ऐसे गेट्स लगे हुए, बाउंड्रीज लगे हुए, जिसको हम पार करके नहीं जा सकते। और यहाँ पे यहोशु बोल रहा है परमेश्वर ने उनका प्रोटेक्शन निकाल दिया है, आप चिंता मत करो इस बात की। तो आपके लिए कितने सारी असंभव लगने वाली बातें हो सकती है कि आपका ये कारण से ये नहीं हो सकता, वो कारण से वो नहीं हो सकता है। तो जब परमेश्वर में आप आए हो तो इसका लाभ उठाइए। अब स्वर्गदूत आपके लिए सबको
कुछ करेंगे, वो बाउंड्री आपके लिए काम नहीं करेगी। वो बाउंड्री को निकाल दिया गया है, परमेश्वर ने आपके लिए निकाल दिया गया है। वो बाउंड्री आपको रोक नहीं सकती है, वो जॉब आपको रोक नहीं सकता है, वो क्वालिफिकेशन आपको रोक नहीं सकता है, वो गरीबी आपको रोक नहीं सकती है, आपकी बीमारी आपको रोक नहीं सकती है, कोई भी बाउंड्री आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका पावर निकाल दिया है। अब आपको पार हो जाना है। आपको खासियत कौन है पार कराने वाला? स्वर्गदूत। कौन सा स्वर्गदूत? लूसीफर नहीं, परमेश्वर का स्वर्गदूत। और परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको पावर बनके आपको पार कराता है, वो बाउंड्रीज से पार लेकर जाता है और उस जॉब में जाके रख देता है, उस जगह में जाकर रख देता है जहाँ पर आपको चाहिए, जो आप चाहते हो उसके अंदर वो जाके आपको रख देगा। आप हासिल कर लोगे उस बात को, आप सोच में पड़ जाओगे ये काम तो मुझे आता भी नहीं है। परमेश्वर आपको स्वप्नों में से ज्ञान देगा वो काम कैसा करना है। आपको विशेष रूप से इस दुनिया के अंदर अब जीना आना चाहिए। ये दुनिया के अंदर अब स्वर्गदूतों के सहायता से ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं और परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों से मसीहों के लिए ज्ञान दे रहा है। इन बातों की समझ को लेकर आपने इस समय को पार करना है। ये समय दुनिया के अंदर आपको ढूंढना नहीं है, ये समय परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर रखने का है। और आपको जो चाहिए वो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आकर आपके लिए काम करेंगे। आपको समझ में आया कितना रहस्य का भरा हुआ बात है ये, कि वहाँ पर गेट लगे हुए थे, वहाँ पर बड़े बड़े दीवारें लगी हुई थी और परमेश्वर कहता है कि डोंट वरी। ओके, वो कह रहा है आप उन लोगों को, यहोशू के द्वारा बता रहा है, बस तुम बलवा मत करो और तुम विश्वास रखो और तुम डरो मत, ठीक है। और क्या है वहाँ पर, वहाँ पर वो सारा जो उनके ऊपर छाया था हटा दिया गया है। अब तुम उस वॉल्स को, वो गेट को, वो बाउंड्री को पार करने के लिए योग्य हो। अब तुम्हारी ताकत उनसे ज़्यादा है, यानी तुम्हारे पीछे स्वर्गदूत बैकिंग के लिए मौजूद है। आया समझ में? और परमेश्वर उनको हमारे हाथ देगा, यानी परमेश्वर का परमेश्वर जिम्मेदारी उठाएगा कि वो हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करे। परमेश्वर जिम्मेदारी उठाएगा कि उनको उनके हथियार के साथ हमारे तक पहुंचने ना दे, उनको उनके ताकतों के साथ हमारे ऊपर कोई भी कारीगरी करने ना दे। ये परमेश्वर जिम्मेदारी उठाएगा। और जीत यहोशू और कालेब ने बोल दिया कि इसराइलियों की जीत रहेगी। देखिए, अब आपको समझ में आया कि मृत्यु का तक हमारे ऊपर अधिकार नहीं रहा है, मरने के लिए भी परमेश्वर ने हमारे शरीरों को नहीं दिया है। समझ में आया? परमेश्वर ने हमको शरीर के साथ अपने राज्य में ले लिया है। वो शरीर रहे, प्राण रहे, आत्मा रहे, परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है। आपको जीवित रहना है, आपको स्वर्गदूत जीवित रखेंगे। आपको समझ में आया? आपको बिना बीमारी के रहना है, आपको स्वर्गदूत बीमारी के बिना जीना सिखाएंगे, जीने का सारा रास्ता देंगे, ज्ञान बुद्धि समझ देंगे। आपको ये सब कुछ हो सकता है अगर आपको ये सच्चाई मालूम पड़ी कि आपको परमेश्वर ने उसके राज्य में लाया है, तो उसके स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए आपके साथ रखे हुए हैं। आपको उसका इस्तेमाल करना है। अब आपको अनाकवंशियों से नहीं डरना है। आपको समझ में आई ये बात? देखिए, यहाँ पे जो गढ़ है, गढ़ों के बात बोला गया है। हिंदी में गढ़ ऐसा लिखा गया है, इंग्लिश में वो डिफेंस वॉल, बिग वॉल्स, ग्रेट वॉल्स ऐसा लिखा गया है। लेकिन ये गढ़ जो है, इसको अगर मीनिंग देखा जाएगा, इसका अर्थ देखा जाएगा, तो शेल, ओके, अगर इसको इंग्लिश में इसका अर्थ देखेंगे तो शैडो, शैडो यानि छाया। हिंदी में उसका भाषांतर बराबर से किया है, छाया यानि छाया निकाल दिया है, यानि उनका कवच हटा दिया गया है। आपको समझ में आया? ये अनाकवंशियों का सबसे ऊंचा, जो स्वर्ग दूतों की सहायता से दुष्टता के जगत में लोग हैं, उनका सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पर उनका प्रोटेक्शन ख़त्म हो सकता है, वो क्या है? उनका शैडो। अगर परमेश्वर ने उनका शैडो निकाल दिया, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने उनके ऊपर का वो छाया, वो कवच हटा दिया, वो कुछ नहीं कर सकते आपके विरोध में। जब आप इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, तब आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आपने क्या कर दिया है।
सच देखा जाएगा तो आपको मालूम भी नहीं है इसके बारे में क्या हो रहा है आत्मा के जगत में। ये हो रहा है कि उनके ऊपर का जो उनको शक्तियाँ देता है स्वर्गदूतों के सहारे से, मनुष्य को जो शक्तियाँ देता है, वो शक्तियों का जो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ से वो शक्तियों का काम ख़त्म हो जाता है, उस जगह का वो एंट्री पॉइंट ही वहाँ से बंद कर दिया जाता है, उनका कवच बंद कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और मनुष्यों के ऊपर से उनकी छाया ख़त्म हो जाती है। एक विज्ञान की तरफ से आप देखेंगे तो जो एक शैडो बनता है, छाया बनता है, तो जब आप प्रकाश के उजियाले के सामने खड़े हो जाते हैं, उस उजियाले का छुपा लिया जाने की वजह से उस आप खड़े हो, उस आकृति को आप अपने छाया में देख सकते हैं। समझ में आया? यानी उजियाला को ब्लॉक कर दिया तो छाया तैयार होता है। जैसे आप कभी कभी लोगों को बोलते हैं कि धूप में खड़े होते हैं लोग, तब आप बोलते हैं कि ठीक है मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ ताकि वो रोशनी का तेज आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आपको छाया मिलेगी। तो इस प्रकार का रहता है छाया का मतलब, रोशनी को अटका दिया तो वो छाया बन जाता है। कभी हम पौधों के लिए इस प्रकार के छाया बनाते हैं कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पौधों के ऊपर ना आए, तो उसको छुपाते हैं, हम रोशनी से छुपाते हैं, तो जहाँ रोशनी छुपाई जाएगी वहाँ छाया तैयार होगा। तो वहाँ पे वो अंधकार के लोग थे और उस प्रकार के लोगों को छाया में रहने वाले लोग कहा गया था, यानी कि वो अंधकार के लोग थे और वो उजियाले से नहीं चलने वाले, रोशनी से नहीं चलने वाले कैरेक्टर के लोग थे, यानी वो परमेश्वर का भय रखने वाले लोग नहीं थे। अब आप ये सब सुनने के बाद में ये सवाल करोगे कि ठीक है प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी, आप सिखा तो रहे, लेकिन आज पृथ्वी के ऊपर हम कहाँ देखें ऐसे लोगों को। हम जाएंगे दूसरे शमूएल के 21 अध्याय में, दूसरे शमूएल उसके 21 अध्याय का 18 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 21 अध्याय का 18 वचन, इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ, उस समय हुशाई सिब्बकै ने रपाई वंशी को मारा। अनाकवंशी हो गया अब रपाई वंशी, ठीक है, ये रफिलिम है, ठीक है, जैसे अनाकवंशी नेफिलिम है, हम नेफिलिम के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अनाकवंशी के बाद रपाई वंशी भी वही है, हम रफिलिम भी सीखने वाले हैं। तो याद रहना ये रपाई वंशी आपको नया शब्द नहीं लगना चाहिए, ये रपाई वंशी मतलब रफिलिम, और हम जो जायंट्स के दानवों के बारे में पढ़ रहे वो नेफिलिम, ये दोनों भी वही वंश है अलग अलग नाम में। अब देखिए यहाँ पर रपाई वंशी सब को मारा, गोप में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उसमें बैतलहमवासी यार योरगिम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बरछे की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसराइल लोग मारते आ रहे हैं। आपने अभी गिनती के पुस्तक में देखा इसराइलियों ने अनाकवंशियों को मारा, अब यहाँ पर वो रपाई वंशी को मारने के लिए आए हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पर आप वंश को देख रहे हैं, आप बार बार वंश को देख रहे हैं, और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो दादा पर दादा के वंश में से है या वो पहले वाली पीढ़ी ही अभी तक जीवित है, इसका फ़र्क करके यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ये सिर्फ वंश में लिखा गया है, लेकिन इसको ये नहीं बता रहे ये कितने वंश से चलते आ रहे। जैसे हम गिनती करके बता सकते हैं कि यीशु मसीह तक का वंश कितने पीढ़ियां हो चुकी है, ये वंशी तो लिखा हुआ है यहाँ पे रपाई वंशी अनाकवंशी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये वंश चला कितने सालों तक, इसके पीछे कितनी पीढ़ियां हो चुकी है उसके बारे में कहीं जानकारी नहीं है। हम 20 वचन को देखेंगे, 21 अध्याय का 20 वचन देखेंगे, दूसरे शमूएल और 21 अध्याय का 20 वचन देखो, यहाँ ऐसा लिखा है, फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े डील डॉल वाला एक रपाईवंशी पुरुष था। देखिए अब
ये जो हम पढ़ रहे हैं नेफिलिम के बारे में, अनाक वंशी, रपाई वंशी, ये जो पढ़ रहे हैं, इनके शरीर की रचना कैसे थी वो देखिए। जिसके एक एक हाथ पाँव में 6-6 उंगली, अर्थात गिनती में 24 उंगलियाँ थी। ओके, अब 21 वचन देखिए। जब उसने इसराइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनातन ने उसे मारा। ये चार गत में उस रपाई से उत्पन्न थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक बार दाऊद ने मारा वो अलग बात है, लेकिन दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनातन ने उसे मारा, ये आपको अभी मालूम पड़ा। ठीक है, तो दाऊद ने सामना किया गोलियात का, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पहले कितने सालों से इजरायली इनका सामना करते हुए आ रहे, यहोशू कालेब ने भी इनका सामना किया है, और अब यहाँ पे योनातन भी इसके सामना किया हुआ बता रहे हैं। और यहाँ पे उसकी अवस्था क्या बताया गया है, दानव के हाथों में कितने उंगलियाँ थे, 6-6 उंगलियाँ थी, अर्थात गिनती में 24 उंगलियाँ थी। और यहाँ और एक बात दिया है, उसके जनों मतलब उनका उनके पुरुषों के बारे में, डील डॉल बड़े थे और उनके हाथ एक एक हाथ में 6-6 उंगलियां थी। अब हम जाएंगे व्यवस्था विवरण के 3:11 में। व्यवस्था विवरण 3:11। व्यवस्था विवरण 3:11, जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशन को, बाशन का राजा ओग रह गया था, उसको चारपाई जो लोहे की है, उसकी चारपाई जो लोहे की है वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। तो आपने पहले वाले वचन में ये देखा था, दूसरे शमूएल के पुस्तक के 21 अध्याय के वचनों में आपने क्या देखा था, वहाँ पे ये देखा था उसके हाथ में 6-6 उंगलियाँ थी, टोटल 24 उंगलियाँ, और डील डॉल से थे। और उनका यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके शरीर का लंबाई और चौड़ाई, उनकी चारपाई की हिसाब से उनके शरीर के लंबाई और चौड़ाई बताया जा रहा है। और वो रपाई था, 9 हाथ की लंबाई थी और चौड़ाई 4 हाथ की थी। तो उनका स्ट्रक्चर एक साधारण इंसान की तरह नहीं था, एक साधारण मेजरमेंट के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से वो 16 फीट लंबा था। मतलब एक साधारण पुरुष जो रहता है 6 फीट का भी रहेगा तो भी 2 या 3 बार ऊंचा करके उसको जितना कद मिलता है उतनी ऊंचाई के वो रहते थे। तो हम हमेशा यही देखते हैं कि गोलियात के बारे में बताया जाता है कि जो दाऊद ने उसको मारा, ठीक है। तो अगर उसके 5 पत्थर के बारे में बात करते हैं तो हमको पता है वो 5 वरदान लेकर जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, वो प्रॉफिट, अपोस्टल, प्रेरित, ठीक है, इवेंजलिस्ट जो सुसमाचार सुनाने वाले, और टीचर और पासबान, ऐसे 5 लोगों का हम नाम सुनते हैं जो 5 पत्थर उसके बारे में बताया गया, और भविष्यद्वक्ता, ठीक है। ये 5 पत्थर है जो गोलियात ने इस्तेमाल, गोलियात को मारने के लिए दाऊद ने इस्तेमाल किए 5 पत्थर, उसमें से एक को सिर्फ उसने निकाला और वो मारा। तो आपको पता है वो क्यों उसके सिर पे लगा गोलियात के, क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को ललकारा था। आपको समझ में आया, क्योंकि वो पर जो यहोवा है उसको उसने तुच्छ जाना और उसके नाम को उसने ललकारा। इज़राइल परमेश्वर के संतान है और इज़राइलियों को जो परमेश्वर संभालता है यहोवा, उसको उसने ललकारा। तो उसकी गलती यही हुई कि उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम तुच्छ जाना, वो इस प्रकार से दाऊद के विरोध में चल के आया। तो दाऊद ने उसी बात को पकड़ लिया कि अब तो मेरा निशाना तुझे लगना है, क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर को तुच्छ जाना है। तो अब उसका जो पावर है
वो यहोवा परमेश्वर उसके ऊपर से हटा लेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, आपके विरोध जो भी रहेगा, जब वो आपको सता रहा है, तो उसका पावर परमेश्वर ख़त्म कर सकता है अगर आपने प्रार्थना किया तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे पांच पत्थर को हम वही समझते हैं कि जो प्रेरित है वो भी एक पत्थर है, भविष्यद्वक्ता एक पत्थर है, सुसमाचार एक पत्थर है, टीचर एक पत्थर है, और एक पासवान एक पत्थर है। हम सब पत्थर इकट्ठे देखेंगे तो सब एक एक तरीके से आपके शत्रु के विरोध में ही चढ़ाए जाते हैं और आपको छुड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए ये पत्थर काम कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको सता रहे हैं, जो वो यहोवा को तुच्छ मान रहे हैं, इसकी वजह से ये पत्थर काम कर जाते हैं। समझ में आया आपको क्यों आपके शत्रु हार जाते हैं आपके सामने, जब ये पत्थर चलाए जाते हैं, प्रेरित जो चलाए जाते हैं आपके सहायता के लिए, भविष्यद्वक्ता जो चलाए जाते हैं आपके सहायता के लिए, सुसमाचार वाले जो चलाए जाते हैं, टीचर जो चलाए जाते हैं, पास्टर जो चलाए जाते हैं आपके सहायता के लिए, ये क्यों चलाए जाते हैं? क्योंकि आपका विरोध करने वाले जो भी रहते हैं वो इस प्रकार से आपको आपका विरोध कर रहे होते हैं, जो परमेश्वर आप जानते हैं, यहोवा जो जानते हैं, उस यहोवा की वो निंदा कर रहे हैं, उस यहोवा को वो तुच्छ जान रहे हैं, इसके लिए ये पत्थर काम कर जाते हैं और आपका छुटकारा हो जाता है। अब हम देखेंगे गोलियात के बारे में। दाऊद ने गोलियात को मारा, यानी गोलियात का असाइनमेंट था मरना और दाऊद का असाइनमेंट था गोलियात को मारना। जब गोलियात के सिर के ऊपर जो पत्थर लगा उसको पीछे गिरना चाहिए था, वो पीछे नहीं गिरा, वो मुंह के बल सामने अपने माथे के सामने गिर गया। ओके, तो इसका मतलब क्या बनता है, जो 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 प्रकार से उसका दंडवत करना हुआ, वो दाऊद के सामने जैसा उसने पूरा अपने बॉडी को नीचे गिरा के उसका दंडवत किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको सताने वाले रहते हैं, जिनका प्रोटेक्शन निकल जाता है आपकी प्रार्थना की वजह से, वो इस प्रकार के निहत्ता हो जाते हैं। आपको देखने में दिखाएंगे नहीं वो लोग, लेकिन वो निहत्ता हो चुके होते हैं, क्योंकि यही सच्चाई है। जो आपको कोई भी सताए, लेकिन ये एक सच्चाई है, जब यहोवा का नाम लेकर अगर कोई भी उसको तुच्छ जानते हुए अगर कोई भी कुछ करता है, उसका स्वर्गदूत हटा दिया जाता है। समझ में आया आपको, उसका स्वर्गदूत हटा दिया जाने से क्या हो जाता है, वो देखने में तो मनुष्य लगता है, लेकिन उसका स्वर्गदूत हटा लेने की वजह से वो पावरलेस भी हो जाता है। ये काम होता है आप जब प्रार्थना करते हैं। हम पहले शमूएल के 17 अध्याय के 54 वचन में देखेंगे। देखिए, जब आप उस पहले शमूएल के 17 अध्याय के 54 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह, सॉरी, ये जो गोलियात को मारा गया था, दाऊद ने उसके जो सिर को लिया काट के और उसको खदेड़ता हुआ लेकर गया, अपने वो जगह में डाल दिया जहाँ पे आज यीशु मसीह को जहाँ क्रूस के ऊपर रखा गया था, वो गोलगोता कहा जाता है, वो जगह सच देखा जाएगा तो गोलियात का सर उस ज़मीन के ऊपर डाला गया था। ठीक है, और वो गोलगोता मतलब गोलियात का सर, समझ में आया। तो उस जगह में गोलियात का खोपड़ी वहाँ पर है, तो उस खोपड़ी के ऊपर यीशु मसीह का क्रूस लगा हुआ था, और उस क्रूस पर यीशु मसीह जब टंगा हुआ था तब उसके उसका सर स्वर्ग की तरफ था, उसके हाथ दाएं बाएं फैले थे, लेकिन उसका पैर जो था वो गोलियात के सर के ऊपर था। ये उसके खास बात थी कि यीशु मसीह उस गोलियात के सिर को कुचल दिया था, यानी यीशु मसीह ने नफिली जो थे, यानी जो दानव जाति थी, उनको हरा दिया था, और वो क्रूस के ऊपर होने के कारण वो मनुष्य जाति की रक्षा कर पाया, उसकी असली खरी जाति मनुष्य की वो बचा पाया। देखिए, अगर आप उत्पत्ति में देखेंगे तो उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक आपको सिर्फ प्राणी के बारे में बताया गया है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताया कि प्राणी किस प्रकार के हैं, आपको शुद्ध प्राणी के बारे में ही बताया, अपनी अपनी जाति के अनुसार वो प्राणी थे।
ठीक है, वहाँ पे कुछ भी अलग नहीं था, बिल्कुल सही था जब उत्पत्ति किया गया था। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं नूह के समय वो ख़त्म हो गया बाढ़, और वो पृथ्वी के ऊपर वो बाढ़ में नाव के ऊपर जहाज में चढ़ाया जा रहा था, तब परमेश्वर ने 6 अध्याय के बाद में 7वें अध्याय में देखो कैसे इंस्ट्रक्शन दिया है। वहाँ पर उसको बोला गया शुद्ध प्राणी और अशुद्ध प्राणी। अशुद्ध प्राणी का मतलब क्या है आपको क्या लगता है? वो अशुद्ध क्यों बोला परमेश्वर ने? क्लीन एंड अनक्लीन, अनक्लीन क्यों बोला परमेश्वर ने? यानी वो उस समय जो 6 अध्याय में करप्शन के बारे में बात किया परमेश्वर ने कि पृथ्वी के ऊपर चाल चलन इनकी वजह से भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है, तो उस समय ही ये प्राणियों को भी भ्रष्ट कर चुके थे। और नूह को बोला गया था इन भ्रष्ट प्राणियों को तो जहाज के ऊपर नहीं लेकर जाना। अब ये बात ठीक है कि नूह परमेश्वर के लिए खरा इंसान मिला जो पीढ़ी उसका भ्रष्ट हुआ नहीं था। हम ये नहीं बोल सकते कि उसके बेटे भी भ्रष्ट नहीं हुए थे, ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसके बारे में मालूम है हमको, ठीक है। तो इसके वजह से प्राणियों के बारे में भी हमको मालूम पड़ता है, प्राणियों के बारे में ये मालूम पड़ता है वहाँ परमेश्वर ने विशेष चुनाव करने के लिए बोला था ये अनक्लीन जाति है और ये क्लीन जाति है, इन क्लीन ये शुद्ध जाति अशुद्ध जाति फर्क करके इस प्रकार का परमेश्वर ने वर्णन किया प्राणियों के बारे में, यानी भ्रष्ट हुई प्राणियों की जाति भी उसमें थी। ये अशुद्ध और शुद्ध दोनों के बारे में दिया है 8वचन में, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूर के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। तो नूह के बारे में तो आपको मालूम पड़ गया, नूह का तो खुद परमेश्वर ने प्रूफ बोल दिया था कि वो शुद्ध जाति का मनुष्य है। अब ये शुद्ध जाति के साथ साथ आपको यहाँ पे जो शुद्ध जाति बोला गया था नूह के बारे में वो तामीम है, और अगर 7 अध्याय के 2 वचन में देखेंगे आप उत्पत्ति के, तो वहाँ पे भी शुद्ध जाति के प्राणियों के बारे में लिखा है, तो वो ताहो है। दोनों का मतलब एक ही है, जो भ्रष्ट नहीं हुई वो जाति है। अब नूह के बेटों के बारे में शुद्ध या अशुद्ध कुछ बोला नहीं परमेश्वर ने, इसका मतलब नूह शुद्ध है तो निश्चित है कि नूह के बेटे जो उत्पन्न हुए वो भी शुद्ध जाति ही है, इसके लिए उनके बेटों के बारे में शक नहीं करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर ये जो ताहो और तामीम शुद्ध का बात लिखा गया है नूह के लिए और प्राणियों के लिए, ये दोनों में अर्थ दोनों का एक ही बनता है, जो जाति शैतान के द्वारा भ्रष्ट नहीं हुई है। तो आपको इज़राइल को किस प्रकार से परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था शुद्ध अशुद्ध प्राणियों के बारे में कि ये खाना ये नहीं खाना, अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि परमेश्वर ने वो अशुद्ध और शुद्ध में से किसी को मार डाला नहीं, उनके बारे में वो शुद्ध और अशुद्ध प्राणियों को बचा के रखा उसने, लेकिन खाने के समय उसने शुद्ध प्राणी और अशुद्ध प्राणी फ़र्क करके रखा था व्यवस्था में इज़राइलियों के लिए। तो आपको अशुद्ध के बारे में अब मालूम पड़ गया कि परमेश्वर ने क्यों फ़र्क करके रखा था, क्योंकि वो भ्रष्ट किए हुए जातियों में से थे, यानी स्वर्गदूतों के द्वारा भ्रष्ट किए हुए वो हाइब्रिड जाति थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल के तो आपको मालूम पड़ेगा एक बात कि जब नया नियम आया तब पत्रस को उसने दर्शन में दिखाया प्राणियों को, और पत्रस ने बोला कि इस पे से मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं यहूदी हूँ और मैंने कभी अपने लाइफ में ऐसा भ्रष्ट किया हुआ प्राणियों को नहीं खाया है। तो परमेश्वर बोलता है जो परमेश्वर शुद्ध ठहराता है उसे शुद्ध कहना, यानी अब वो जो स्वर्ग की जातियों के द्वारा भ्रष्ट किए गए प्राणियाँ थे वो अभी क्या हो गए, प्राणी पशु पक्षी सब कुछ जो शरीर में था वो पत्रस के सामने दिया हुआ, परमेश्वर बोलता है अब ये सब कुछ शुद्ध हो चुका है, यानी अब जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर रहेंगे वो सब शुद्ध किए गए हैं, अब तुझे उनको शुद्ध और अशुद्ध पुकारने की ज़रूरत नहीं है, यानी तुझे फैसला करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अन्य जाति है और तू खुद यहूदी है, ये फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने प्राणियों के बारे में वो बातें उसको बताई और उसने बोला जैसे प्राणी को तू अशुद्ध और शुद्ध माना करता था, अब वो प्राणियों में कोई अशुद्ध और शुद्ध नहीं है, जिसे मैं शुद्ध कह रहा हूँ उसे तूने शुद्ध कहना है, अगर मैं किसी अन्य जाति को शुद्ध कहता हूँ तो भी उसे शुद्ध कह, अगर तुझे मैं यहूदियों के लिए शुद्ध कहता हूँ
तू भी उसे शुद्ध कह। तो अब परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध है। देखिए ये सारा कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, और जो जातियाँ नूह के समय में अशुद्ध हो चुकी हुई थी, प्राणी पशु पक्षी, उनको भी परमेश्वर ने नर और मादा के रूप में ले लिया था जहाज़ के ऊपर। वो जब आगे उनकी संतति बढ़ती गई प्राणियों की, पशुओं की, पक्षियों की, उसके द्वारा वो अपनी खरी जाति में लौट कर आए, यानी उन जातियों के अंदर जो मिलावट हो चुकी थी वो आगे बढ़ते बढ़ते उनकी पीढ़ियों के आगे निकलते निकलते वो दोबारा अपने पहले पूर्ववत पीढ़ी में जो थे उसमें आ चुके हैं। अब परमेश्वर बोलता है कि अब इनके अंदर वो प्रकार की भ्रष्टता नहीं है, तो अब तुमने इसे अपने मर्जी से इसे भ्रष्ट नहीं कहना है, जिसे मैं पवित्र कहूँ उसे पवित्र कहना है, यानी मैं जिसे शुद्ध कहूँ वह शुद्ध ही तेरे लिए रहना है, व्यवस्था के अनुसार अभी तुझे उसको नहीं देखना है। अब हम एक आखिरी बार उस अध्याय में दोबारा जाएंगे, 6 अध्याय में और 4 वचन देखेंगे, उत्पत्ति के 6 अध्याय में और 4 वचन में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात, यानी कि दानव उस दिनों में भी थे जब वो बाढ़ आने वाला था, और उस बाढ़ के बाद के समय में भी दानव मौजूद थे। ये शब्द आपको गौर करने का है कि दानव सिर्फ उसी पीढ़ी में नहीं थे लेकिन उसके बाद वाले पीढ़ियों में भी दानव मौजूद थे। ये वचन हमको उत्पत्ति के 6 अध्याय के 4 वचन में बताया जा रहा है। यहाँ एक आपको बहुत खास तरीके का शब्दों के ऊपर ध्यान लाना ज़रूरी है। परमेश्वर बोलता है कि बाढ़ आने वाला है और दानव के बारे में बोल रहा है। दानव रहने मतलब उस समय के वक्त में दानव रहा करते थे और उसके बाद भी दानव रह रहे थे। अब देखिए उसने किसको मार डाला, फिर समझ में आया उसने किसको मार डाला। अब देखिए हम आगे पढ़ते जाएंगे, उसके बारे में देखेंगे उसने किसको मार डाला। उसने बोला मेरे सामने सारी सृष्टि करप्ट हो चुकी है, अब मैंने किसको ख़त्म करने का अभी समय आ चुका है। देखिए यहाँ पे 13 वचन, तब परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों का के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, यानी दानवों के कारण पृथ्वी उपद्रवों से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूँगा। इसलिए वो सारी बातें उसने बताया। और यहाँ पे मुझे एक ख़ास बात आपको बताना है कि इधर जो मार डालने की बात कर रहा है परमेश्वर, वो विशेष प्रकार के जो एक शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो शब्द को आपको समझना है कि वो इस प्रकार के कुछ जीव जंतुओं को मार डालने की बात कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये 17 वचन में, और सुन मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे किसको मारने के लिए निकला है, जो प्राणी है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे विशेष करके है, वो भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है सब प्राणियों को, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि ऑल फ्लैश, सब प्राणी, ऑल फ्लैश, इसका मतलब जो फ्लैश है, जो प्राणी है, इसके बारे में परमेश्वर ने बोला था, और जिसके नाक में श्वास है और जो प्राणी है, ये 2 कंडीशंस के लोग, जो भी जीव जंतु रहेंगे पृथ्वी के ऊपर 2 कैटेगरी में, यानी उनके पास नथुनों का श्वास होना चाहिए और उनके पास शरीर होना चाहिए। ऑल फ्लैश यानी ये क्या हो गया, प्राणी जिसके अंदर प्राण वायु है और वो शरीर है, ठीक है। ये 2 कंडीशंस, ये जायंट्स लोग नहीं थे, दानव लोग नहीं थे, ना ही वो फ्लैश थे और ना ही उनके नाक में श्वास था, ये दोनों नहीं मरे। समझ में आया, जो दानव जाति है वो नाक में श्वास उनके नहीं है और दूसरा वो शरीर नहीं है,
आपको समझ में आए, ये बहुत खास बात दानवों के बारे में है। यहाँ से उनका मृत्यु में से बचना बहुत आसान हो गया उनको, बाढ़ में नहीं मरना आसान हो गया उनको, क्योंकि बाढ़ सिर्फ उनको मार डालने वाली थी जो शरीर है और जिनके नाक में श्वास है। और दानव जो वंश थे, दानव जो जाति थी उस समय, स्वर्गदूतों के द्वारा जो मनुष्यों के पुत्रियों से ब्याह के जो पुत्रों को तैयार किया था, वो जाति जो बलवान और शूरवीर थी उस समय और उसके बाद भी रह रही थी, तो वो जाति ना ही शरीर है और ना ही उनके नथुनों में श्वास है, ये दोनों चीज़ें उनमें नहीं है, इसके लिए वो परमेश्वर के शब्द के नीचे नहीं आए। तो परमेश्वर ने उनको नहीं मारा था, लेकिन जितने शरीर थे और इनके नाक में श्वास था, वही मनुष्यों को वही जीव जंतुओं को परमेश्वर ने देह के साथ मार डाला था। आपको समझ में आया अभी दानव कैसे जीवित रह गए? और वो जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का ये बाढ़ नहीं था, मनुष्यों के लिए था, जीव जंतुओं के लिए था, जो असल में शरीर है और असल में उनके अंदर परमेश्वर ने फूका हुआ श्वास है। और इसके साथ साथ फिर वो और भी एक बात हो जाता है कि वो मनुष्य ने बनाया हुआ जो जीव जंतु है उसी को स्वर्गदूतों ने भ्रष्ट किया था, इसके लिए वो जो भ्रष्ट हो चुके हैं वो अब शरीर के रूप में और श्वास के रूप में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सब कुछ मार डाले गए। सिर्फ और सिर्फ दानव जाति जो है वही बची रही। दानव जाति का मतलब बन जाता है कि वो ना ही शरीर है, ना ही उनके नाक में श्वास है। आपको समझ में आया? ना ही वो शरीर है, ना ही उनके नाक में श्वास है, ये दोनों चीज़ें उसके उनके अंदर नहीं है, इसके लिए वो मनुष्यों के अंदर गिनती नहीं होते हैं। मनुष्य के कैटेगरी से वो बाहर की जाति है, अलग स्पीशीज है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर ने भी हमको क्या बनाया है? एक अलग क्रिएशन बनाया। जब मसीह के अंदर हम आते हैं तो हम नया सृष्टि बन जाते हैं, समझ में है? हम नया सृष्टि बन जाते हैं, हम नया स्पेशियस इस पृथ्वी के ऊपर लाए गए हैं, हम नया जाति इस पृथ्वी के ऊपर लाए गए हैं। जिस प्रकार से शैतान की एक जाति है, वो वंश है सर्प का बीज, जिस जो शरीर नहीं है, आपको ध्यान देना है इस बात का, जो शरीर नहीं है और ना ही उसके अंदर श्वास है, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह का वंश भी तैयार हो गया, स्त्री जाति का वंश भी तैयार हो गया और उसमें हम हैं। आपको समझ में आया? अब हम मनुष्य में गिनती नहीं होता है और ना ही वहाँ से सर्प के वंश जो है वो मनुष्य में गिनती होते, वो भी मनुष्य में गिनती नहीं होते हैं। और हम जो मसीह के वंश हो चुके हैं, स्त्री के बीज के वंश जो हो चुके हैं, हम भी मनुष्यों में गिनती नहीं है, अभी हम मनुष्यों से बाहर आ चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात को देखिए, इब्रानी का पत्री अगर हम पढ़ेंगे तो इब्रानी के पत्री में ऐसा लिखा है कि तुम स्वर्गदूतों को समझिए, अगर कोई अनजाना इंसान तुम्हारे रास्ते में आपको पड़ जाए, यानी इब्रानी के 13:2 में लिखा है, तो इस बारे में ध्यान रखो कि वो आपके लिए अनजान हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसकी सहायता की, अगर आपने उसके लिए भलाई किया, तो हो सकता है आपने स्वर्गदूतों की भलाई की हो, क्योंकि स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण करके भी आपके सामने आते जाते रह सकते। लेकिन आपको मैंने बता दिया, प्रोफेट यूबल डेंजल जी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया कि स्वर्गदूत मनुष्य के शरीर के अंदर आके नहीं रहते हैं, ये समझ लेना है आपको, ठीक है? यानी स्वर्गदूत अपना खुद का एक भेष धारण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के अंदर जाके वो रहते नहीं है स्वर्गदूत। प्रोफेट यूबर्ट एंजल जी अपनी एक अनुभव बता रहे हैं कि वो अपने एक बेटे के जन्म होने का समय था, मतलब ऐसा एक गर्भवती हो गई थी उनकी वाइफ, और वो कोई भी तरीके से उतना लंबा दौर नहीं था कि बाहर से वो दिखाई दे कि वो गर्भवती है, एक साधारण महिला की तरह ही वो दिख रही थी, बिल्कुल गर्भवती ऐसे नहीं दिख रही थी। लेकिन प्रॉफिट यूबर्ट एंजल को पता था कि उनकी वाइफ गर्भवती है, उनकी वाइफ को पता था उनकी वाइफ गर्भवती है, ठीक है? लेकिन वो खुद गर्भवती है, उनको पता था, लेकिन
एक समय था ऐसा, बाहर से तो कुछ भी ऐसा किसी को नज़र नहीं आएगा क्योंकि बहुत कम समय ही था वो गर्भवती पकड़ ली थी, और यहाँ एक समय ऐसा था कि वो कहीं पर मैनचेस्टर में गए थे और वहाँ पर वो एक जगह पर कुछ रुक गए थे। वहाँ उन्होंने, दोपहर का वक्त था, तो एक इंसान देखा जो रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर, ठीक है, उस जगह में वो कुछ ऐसे क्लीनिंग कर रहा है, मतलब कोई ऐसे झाड़ू पोछा करते हैं ना, उस तरह से वो क्लीनिंग कर रहा था रोड्स को। और उस इंसान ने प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल को देखा और उसके पास ऐसे वो उनके वाइफ की तरफ की बात बोली कि ये जो महिला है, ये जो गर्भ पकड़ी हुई है, ये बच्चा भविष्य में भविष्यद्वक्ता बनने वाला है, इस बच्चे की चिंता कीजिए, ये गर्भ की चिंता कीजिए। जबकि बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका किसी को भी खबर तक नहीं हो सकता है कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और फिर भी ये इंसान ने ऐसा बोला। और ये वक्त में प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं कि मैंने एक इंसान समझकर, इंसानियत के हिसाब से मैंने उसको शेक हैंड किया और मैंने भी बोला हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि एक इंसान को अपमान नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से वो फिर वहाँ उठकर चले गए क्योंकि उनको अटपटा लगा कि ये कैसे, क्या हो सकता है कि ये इंसान ऐसे बोल सकता है। इसके लिए उनको थोड़ा सा इनसिक्योर लगा, वहाँ पर असुरक्षित लगा, वहाँ से वो निकल गए। लेकिन जाने के वक्त में उनको वहाँ थोड़ी दूर पर जाते ही उनके मन में आया, क्यों इनसिक्योर फील हो जाए, हम खुद जाके पूछ सकते हैं कि ये ऐसे कैसे तूने बोला, तुझे किसने बताया, या तुझे क्या पता है और कैसे पता है, जानकारी तो बता, तू इतनी ठोक जानकारी कैसे दिया ये गर्भ के बारे में। तो पलट कर आ गए और उन्होंने देखा वो इंसान वहाँ पर नहीं था, और वहाँ पर पूछताछ करने पर लोगों ने बोला कि इस समय जो है यहाँ का कानून है, यहाँ पर कोई साफ़ सफाई करने के लिए नहीं आता है, आप किसी से नहीं मिले हैं यहाँ पर, यहाँ कोई इंसान नहीं आता है, और इधर साफ़ सफाई करने के लिए कोई इंसान को अलाउड भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, वो ये आफ्टरनून समय है, दोपहर का समय है, यहाँ पर किसी को इजाज़त ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं कि वो स्वर्गदूत था क्योंकि मैंने उसके हाथ को हाथ मिलाया और इतना शरीर के जैसा शरीर था, वो इंसान के जैसा इंसान था, बात करके मुझे बोला कि ये जो है, ये इसके अंदर का गर्भ जो है वो भविष्यद्वक्ता है, इसको अच्छे से संभाल लेना। तो आप समझ सकते हैं कि स्वर्गदूत इंसान के कितना एकदम आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए इब्रानी के 13:2 में लिखा है कि ये ना हो कि तुम अनजान है, इसके लिए उनकी पहुनाई ना करो, ऐसा ना हो कि कहीं वो स्वर्गदूत रहे, है ना। तो इसके लिए तुम अनजान है किसी से तो भी उनकी सहायता करो, इनकी उनकी मदद करो और उनको पहुनाई करो, क्योंकि हो सकता है अनजान इंसान के रूप में स्वर्गदूत आपके सामना किए हो, ऐसा हो सकता है। इसके लिए मैं आप वो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे हैं, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर एक तरफ से बोलता है कि स्वर्गदूत जो है, मतलब शरीर में जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर, यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर हम मनुष्यों के लिए शरीर के रूप में आ सकते हैं। तो देखिए, परमेश्वर ने बोला जो शरीर के रूप में है वही मरेंगे, और मतलब जो शरीर असली में शरीर है, स्वर्गदूत शरीर धारण किए वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने बोला था असल में जो उसने सृष्टि किया आदम और हवा, शरीर हवा, शरीर आदम और शरीर जीव जंतु, उनके ही नथुनों में श्वास है, वो ही जीव जंतु सिर्फ मारे जाएंगे। आपको समझ में आया, यानी स्वर्गदूत का जो पीढ़ी है, अनाकवंशी है, ये शरीर नहीं है। आपको यहाँ पे ये फ़र्क समझ में आना चाहिए। और देखिए, ये स्वर्गदूत गायब भी हो गए, वो लोग भी गायब हो सकते हैं, अनाकवंशी भी इसी प्रकार के हैं, और इसके बारे में आपको कोई अचंभित नहीं होना है,
इसके बारे में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही रहता है और ये बातें ऐसी ही है कि आपको स्वर्गदूतों का फ़र्क करना आना चाहिए। लूसीफर जो है वो भी स्वर्गदूत है, मनुष्य के पास कुव्वत नहीं है, मनुष्य लूसीफर की कुव्वत लेकर सब कुछ करता है, आपको परमेश्वर उसके स्वर्गदूत को देकर कुव्वत देता है। अगर लूसीफर इतनी आनातानी कर सकता है तो फिर आप सोचो परमेश्वर की ओर के स्वर्गदूत लेकर आप क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तो बहुत थोड़ा ही किया है, जो भी किया है मेरे से ज़्यादा तुम लोग करोगे, यानी तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा परमेश्वर के स्वर्गदूतों का अवसर अवेलेबल रहेगा। आपको समझ में आया स्वर्गदूतों की सहायता हमें अभी कैसे लेनी है, क्योंकि हमारे कुवत में से कुछ नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर के साथ जैसा हमारा रिश्ता बना के रखेंगे वैसे स्वर्गदूत हमें अपॉइंट किए जाएंगे और उस स्वर्गदूत से हमारे रास्ते खुलते जाएंगे। इब्रानी 13:2 हम पढ़ेंगे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है, ऐसा लिखा है स्वर्गदूतों के बारे में। ठीक है, अब हम जाएंगे यहूदा के पत्री में, जाना है हमको एक ही अध्याय है उसके अंदर, यहूदा की पत्री उसका 9 हम पढ़ने वाले हैं। यहूदा की पत्री में जाना है उसका 9। ये आखिरी बार आपको याद दिलाने के लिए है कि 9 में ये नूह का समय कैसा था। नूह का समय 9 में हम देखते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। और 10 देखिए, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से जानता है उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है, आपको ये सारी चीज़ें आने वाले समय के बारे में ही बताती है। वे तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 मर चुके हैं और जड़ से उखाड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोले हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाली और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाली है और अपने मुँह में घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुँह देखी बड़ाई किया करते हैं। 7 देखिए, यहूदा की पत्री का 7 देखिए, उसमें ये लिखा है, एक आखिरी बार हम उसको ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर ने नूह के समय यही जातियों के कारण, इन्हीं जातियों के कारण, ठीक है, जो स्वर्गदूतों के शरीरों का
लालसा रखे थे। आपको अभी पता चला स्वर्गदूत किस प्रकार से अब्राहम के सामने भी आए थे, स्वर्गदूत किस प्रकार से लूत के घर में भी आए थे, स्वर्गदूत किस प्रकार से हम खुद जानते हैं कि इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत लूत के घर में आए थे और लूत के घर में छुपे हुए मतलब रखे हुए स्वर्गदूतों के पीछे लूत के जो सदोम गमोरा के लोग थे वो वहाँ पे उन स्वर्गदूतों के शरीरों का कामना करते हुए आए थे। तो आज का नूह का समय वही है जो स्ट्रेंज फ्लैश यानी कि जो शरीर मनुष्य का नहीं है ऐसे शरीरों के पीछे वो जाएंगे। ठीक है, तो ये सात वचन को एक बार दोबारा देखेंगे। अब देखो नूह के समय ऐसे शरीरों के कारण ही मनुष्य के अंदर जो भ्रष्टता आई थी उनको परमेश्वर ने बाढ़ के द्वारा नाश किया। अब सदोम अमोरा के पास भी इस प्रकार के ही भ्रष्ट शुरू हुए थे। मनुष्यों ने भ्रष्ट करना शुरू किया था, चाल चलन को स्वर्गदूतों के शरीरों के साथ संबंध बनाना शुरू किया था। तो परमेश्वर ने वहाँ पे आग के गोलों को वहाँ पे डाला और वहाँ आग की बौछार इतनी ज़्यादा हुई कि वहाँ के आज भी इसराइल के जगह में जाएंगे सदोम अमोरा तो वहाँ अभी भी उनके पत्थर और ज़मीन ये सारे ऐसे ही दिखाते जो सल्फर बनी हुई है, यानी आग से जलकर जो रह जाता है भूगा वो सल्फर वहाँ पर बना हुआ है। यानी वो आग इतना भयानक था कि उसके अंदर लोगों के जो पंजर होते हैं शरीर के वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रकार की अवस्था सदोम अमोरा की आज भी है। तो परमेश्वर ने नूह के समय नहीं छोड़ा उन जातियों को, परमेश्वर ने आज इस समय को बताया कि लूत को के समय का सदोम अमोरा को भी नहीं छोड़ा और यही बात आज नूह का समय चल रहा है। अगर उस समय परमेश्वर ने नहीं छोड़ा तो क्या वो आज इस समय के लोगों को छोड़ देगा ऐसे ऐसे काम करने वालों को? देखिए यहाँ पे सात वचन क्या लिखा है, यहूदा की पत्री सात वचन, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। आग के अनंत काल के दंड, उनका सदोम अमोरा आज भी वो अनंत काल के दंड के नीचे जला हुआ भस्म किया गया ऐसा पनिशमेंट उनके ऊपर गिर चुका है। तो क्या वो आज रुकेंगे? आज इस समय हम जो नूह के समय में है क्या हमको परमेश्वर छोड़ देगा? सोचने की बात है, आपको ध्यान देना है। मनुष्य जाति को ही परमेश्वर ने डुबा दिया था बाढ़ के अंदर, समझ में आ रहा है आपको? मनुष्य जाति में से ही नूह को अलग किया था और जो बाढ़ में मर गए थे वो मनुष्य जाति यानी जीव जंतु जो शरीर के हैं वही मर गए थे। और इसमें भी लिखा गया है ऐसे लोग जो भ्रष्ट होना पसंद कर रहे हैं पनिशमेंट उन्हीं के ऊपर आएगी। अभी समझ में आया आपको? पनिशमेंट उन्हीं के ऊपर आएगी, यानी कि आप भ्रष्ट होने में अपने आप को नहीं देना है क्योंकि मनुष्य मर गए थे बाढ़ के नीचे, जीव जंतु जो शरीर थे वो मर गए थे लेकिन अनाकवंशी नहीं मरे थे। यानी कि जो शूरवीर बने हुए जो स्वर्गदूतों के द्वारा दानव जाति तैयार हो गई थी वो शरीर से नहीं है, यानी उनके लिए तो यीशु मसीह के बाद का समय रखा गया है। ये वंश सर्प के वंश है और वो जीवित रहते रहते कितनी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं हमको पता नहीं है। ठीक है, और वो मरने वाले भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद यीशु मसीह के आगमन के बाद जो बचने वाला है समय उसके अंदर ये अनाकवंशियों का समय रहेगा, वो मसीह विरोधियों का समय रहेगा। तो उसके अंदर सब कुछ जो उनको चाहिए वही किया जाएगा। आपको समझ में आया? तो अगर आप ऐसे स्वर्ग ऐसे हरकतों में आप शामिल हैं तो आपको भी छोड़ दिया जाएगा, उठाया नहीं जाएगा रैप्चर में। आपको समझ में आया ये बात? क्योंकि परमेश्वर ने, ध्यान दीजिए, नूह के समय अनाकवंशियों को नहीं मारा, परमेश्वर ने उनके कारण चाल चलन मनुष्यों की बिगड़ रही थी उसने मनुष्यों को मार डाला, उनके कारण चाल चलन जीव जंतुओं की बिगड़ रही थी वो जीव जंतुओं को मार डाला। आपको समझ में आया? जो शरीर है उसको मार डाला, जिसके नाक में श्वास है वो मार डाले, लेकिन ये अनाकवंशी नहीं मरे। इसका मतलब ये शरीर नहीं थे और ना ही इनके नाक में वो श्वास है जो परमेश्वर बात कर रहा है।
समझ में आया आपको? तो अनाकवंशी या दानव जाति मरेंगे नहीं, आपको समझा? लेकिन इनके चाल चलन को अगर कोई मनुष्य लेकर चलेगा तो वो मनुष्य के लिए खतरा है, ये परमेश्वर का खतरा उनके लिए है। देखिए सदोम अमोरा में अनाकवंशी नहीं मारे गए थे, सदोम अमोरा में मनुष्य मारे गए थे, जो मनुष्य स्वर्गदूत जो स्वर्गदूतों के शरीरों की कामना कर रहे थे। समझ में आया? तो इस प्रकार के कामना रख के जो जी रहे हैं मनुष्य जाति में, पनिशमेंट उनके लिए आ जाएगा। रैप्चर में वो लोग उठाए नहीं जाएंगे, तो आपको वो बात ध्यान रखना है। परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आया? मनुष्यों के ऊपर आया, उनके ऊपर नहीं आया जो लोग अनाकवंशी बने बैठे हैं। समझ में आया? जो लोग दानव जाति बने बैठे उनके ऊपर क्रोध नहीं आया, वो वैसे ही पीढ़ी चलती आ रही है अभी भी, लेकिन जो मनुष्य उनके साथ में अपने आप को भ्रष्ट करने में दे रहे, पनिशमेंट उनके ऊपर आया था। ये बात आपको आखिरी में समझ में आना चाहिए। यानी दानव जाति अपने काम करते जाएंगे, मनुष्य उसमें जाना नहीं है, ये बात आपको इस समय समझ में आना चाहिए जब यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने का समय आ चुका है। देखिए दानव जो जाति तैयार हुई थी उत्पत्ति के 6:4 में, वहाँ कहीं पर भी उनके उम्र की बात बोली नहीं गई है, समझ में आया? लेकिन वो ये बात लिखा है पवित्र वचन में कि वो वहाँ फ्लड के यानी कि बाढ़ के पहले थे और बाढ़ के पश्चात भी थे, उसके बाद भी वहाँ पर वो मौजूद थे। ठीक है, तो उनके अनाकवंशी के बारे में हमने सुना, देखा, पढ़ा है, रपाई वंशी हमने देखा, वो भी पढ़ा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि वो रपाई या नेफिलिम नपिलो ये जो अनाकवंशी ये क्या है, ये क्या दानवों के बच्चे हैं या दानवों के पोते परपोते कौन है, ये इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसी को अध्याय 6:4 को ही ठीक से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ बनता है कि वो भविष्य के लोग, ऐसा लिखा है उसके अंदर। ठीक है, भविष्य के लोग यानी वो ऐसे लोग जिनके लिए कोई उम्र नहीं है, समझ में आया? यानी कि जिसके लिए हो सकता है वो उस समय से लेकर अभी तक जो साल चल रहा है 2023, हो सकता है वो 2023 साल की उम्र के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो ऐसे समय के अंदर है जिसको पहचानना भी मुश्किल है, आपको लगेगा वो इंसान है लेकिन वो इंसान नहीं है, उनके इंसान के शरीर होते तो वो बाढ़ में मर जाते, लेकिन वो इंसान के शरीर नहीं है, वो बाढ़ में मारे नहीं गए, वो अनाकवंशी होकर रहे, उस वक्त गोलियात को मारा और गोलियात के वंश को मार डाला, तो वो यीशु मसीह ने उनको मार डाला और यीशु मसीह ने मसीहों को आज़ाद कर लिया, मसीहों के लिए वो रास्ता बना दिया कि ये जो अनाकवंशी है वो मसीहों के परेशान ना करे, वो मसीहों को भ्रष्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए मनुष्य जाति में से मसीहों को अलग कर लिया, मसीह अलग हो चुके हैं, यीशु मसीह के लहू को और शरीर को जब हम खाते हैं तो वो यीशु मसीह के वंश के अंदर है हम, ये उसके कारण हम उसके शरीर और लहू के मिक्सचर में हैं, हम अनाकवंशी नहीं हैं। ठीक है, अब हमको वो चाल चलन नहीं चलना है जो अनाकवंशियों से पृथ्वी के ऊपर चल रहा है, वो दानव जाति के चाल चलन है और जो स्वर्गदूतों के कामना करने वाले चाल चलन है, और ये ऐसे चाल चलन है जो पावरफुल है और आपको डरा सकते हैं और आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा ही आपके विरोध में भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कारण क्या है उनका पावर का, उनके साथ जो अनाकवंशी के साथ हुआ था, ये स्वर्गदूतों के साथ मेल करके रहने वाले लोग हैं जो लूसीफर के स्वर्गदूत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोग जब आपके सामने है उनके चाल चलन को नहीं अपनाना है, ये ध्यान रखना है कि हमको रैप्चर में उठा लिए जाने के वक्त ये टाइप के चाल चलन में हमको नहीं रहना है।
ठीक है, हमको यीशु मसीह के शरीर और लहू को याद रखना है कि हमारा शरीर और लहू वो नहीं है जो जो इस संसार के अंदर है। क्योंकि देखो तुम्हारी कामनाएं जो रहती है वो कामनाएं संसार में शरीर के लिए ही रहेगी, लेकिन आज इस समय शरीर के लिए कामना शरीर नहीं कर रहा है, वो शरीर में कामना जो है वो स्वर्ग के सब सब जो मनुष्य के लिए नहीं है, ऐसे ऐसे स्वर्ग की बातों के पीछे लगे हैं लोग, ठीक है, पावर के पीछे लगे हैं, स्वर्ग के आत्माओं के पीछे लगे, स्वर्ग दूतों को ढूंढने में लगे हैं लोग। ये सारी चीज़ें स्वर्गदूत उनको देते जाएंगे। ये समय वही है जहाँ पर ज्ञान भरता जाएगा पृथ्वी के ऊपर, लेकिन वो स्वर्गदूत उन मनुष्य को दे रहे इसीलिए होता जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर की ओर का नहीं है। जो परमेश्वर की ओर है वो हम मसीह में आने के बाद ही होता है, और मसीह में आने की वजह से हमको परमेश्वर के स्वर्गदूत का बैकिंग मिलेगा, और हमको जो भी चाहिए वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सहायता के लिए वो काम करेंगे 100%, क्योंकि हमको वो उसी के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि हम संसार के अंदर हमारी बातों को नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी का एक आर्टिकल देखेंगे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो जो सुअर है उसके अंदर जो मनुष्य का ये रहता है इंद्रिय रहता है, मनुष्य के शरीर के इंद्रिय रहते हैं, उसे बनाया जा रहा है। आपको समझ में आए, वो सुअर है, सुअर के अंदर मनुष्य का इंद्रिय बनाने का प्रक्रिया किया जा रहा है, मनुष्य इंद्रिय बनाने का प्रक्रिया किया जा रहा है। और ये सिर्फ सुअर के ही अंदर नहीं रखा जा रहा है, इस प्रकार से मनुष्य के इंद्रिय बनाने के रिसर्च जो स्टडी किया जा रहा है ये सिर्फ सुअरों के ऊपर ही नहीं किया जा रहा है, ये बहुत सारे अलग अलग प्राणियों के अंदर भी मनुष्य के इंद्रिय बनाने का काम किया जा रहा है। और ये ऐसा है कि इसके लिए कोई सरकार का परमिशन मिल चुका है, लेकिन उसके लिए वो ऐसा नहीं है कि वो शोध नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर, रिसर्च नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, उनको आज़ादी है, वो रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करते रहेंगे, और उनको उस देश ने आज़ादी दी है रिसर्च करने का, लेकिन उनको खर्च नहीं दिया जाएगा, लेकिन रिसर्च करने के लिए रोक नहीं है उनको, वो कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आया, आप सोचिए कि ऐसा दिमाग मनुष्य सोच कैसे सकता है कि मनुष्य के इंद्रिय वो इन जानवरों के अंदर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, वो मनुष्य और प्राणी ऐसे दोनों के इंद्रिय मिला के वो इंद्रिय मनुष्य का इंद्रिय उनके अंदर बनाया जा रहा है। तो ये सोच आया कहाँ से, क्या ये परमेश्वर का है? नहीं, ये प्रक्रिया सारा शैतान का तरीका है, और वो आने वाले मसीह विरोध के लिए, एंटी क्राइस्ट के लिए वो सामान तैयार कर रहा है। इसके लिए आपका इस दुनिया के अंदर अभी कुछ नहीं बाकी रहा है, आपको इस दुनिया के अंदर का टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागना है, ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना है, फैशंस के पीछे नहीं भागना है, ये सब कुछ एंटी क्राइस्ट के आने की तैयारी कर रहा है शैतान। और ये दिलों दिमाग आप देख सकते हैं, वो मसीह लोग नहीं है, ये सारे अन्य जाति के अंदर ही आपको मिलेंगे, और वो पूरी तरह से अपने आप को दे चुके होंगे ये इस प्रकार के कामों के लिए, क्योंकि उन वो ही लोग हैं जो अनाकवंशी और ये सब जातियों में से जो निकले हुए हैं, जहाँ से लूसीफर ने, शैतान ने अपने लिए वंश को बचाए रखना है, वो वंश के ही लोग आपको उसके अंदर मिलेंगे, मनुष्य जाति उसमें से हट जाएंगे, वो पश्चाताप हृदय से अलग होकर आ जाएंगे, छूट जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध से बचा लिए जाएंगे, लेकिन अनाकवंशी जो है उसके अंदर बने रहेंगे। लेकिन सोचो अगर आप ऐसे कामों में फंसे हुए हैं या आप ऐसे कामों के पीछे अपना समय लगा रहे हैं, तो आप सोच कर देखो, अगर यीशु मसीह का आगमन आ गया और आप ऐसे प्रकार के फैशन और ट्रेंड्स के पीछे चले गए हैं, ऐसे लोगों के झुंड में अपने आप को ऊंचा करने के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के चिन्ह अपने शरीर पर दाग लगा रहे, टैटूज बना रहे, और सोच रहे कि कुछ नहीं होता है, अपने अंगों को आप खोल कर रास्ते में चलते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं, ये तो फैशन है,
आपको लगता है कि ऐसे कटे हुए कपड़े पहनेंगे और इस प्रकार से चलेंगे तो ये आज का ट्रेंड चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये फैशन, ये ट्रेंड, ये ऑर्नामेंट्स, ये मेकअप सारे आपके लिए है? नहीं, ये वो समय के लिए है जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उस समय के लिए तैयारी की जा रही है। ये तो बहुत छोटी बात आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल वर्ल्ड में भी उसके कारनामे आप देख सकते हैं, जिसे आप एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलता है कि आप जो पैसों के देखते हैं, जो डिजिटल मनी हो चुका है, विदाउट कार्ड्स आप कार्डलेस आप चल सकते, कैशलेस आपको सब कुछ हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये सारा चीज़ जो है, रोबोट्स आ रहे, AI आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो एंटी क्राइस्ट आने का समय है, उसके लिए ये अनाकवंशी जाति जो है, यानी जो स्वर्ग दूतों के द्वारा तैयार किया हुआ जाति जो है, वही मनुष्य के समान दिखने वाले सिर्फ वही लोग रहेंगे, ये इंटेलिजेंस में चलेंगे। ओके, और वो इंटेलिजेंस जो है, वो होशियारी जो है, वो दिमागदारी जो है, वो मनुष्यों का सिंपल माइंड नहीं है, वो लूसीफर की तरफ से ये सारे अकल को लेकर करते जाएंगे और करते रहेंगे। उनको मसीह विरोधी तक पहुंचना है, ठीक है? वो मसीह विरोधी के लिए ये सारे सामान जुटा रहे, लोगों को बना रहे, एक एक परंपरा तैयार कर रहे जो मसीह विरोधी के लिए सूटेबल रहेगी। तो प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी खुद बोल रहे हैं कि दस एक सबसे बेहतर तरीका अभी ये रहा आपके लिए कि आप वचन में घुस जाइए, पवित्र वचन के अंदर अपने आप को घुसा दीजिए, अपने आप को फंसा लीजिए पवित्र वचन के अंदर। बस इस दुनिया के अंदर अभी अपना मन बहलाना बंद कर दीजिए, जो भी आपको इस शरीर के तरफ से आपको दुनिया के अंदर अवसर दिखाई देते, वो अवसर नहीं है, वो मसीह विरोधी आने की तैयारी है। आप उसके अंदर अपने मन को मत लगाइए, निकल जाओ वहाँ से और सिर्फ वचन के अंदर अपना मन गढ़ दो। ये बोलो मत कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे बेस्ट सहेली है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा मसीह विरोध के अंदर लोगों को फंसा के रखने के लिए, मनुष्यों को उनके सारे चीज़ों के अंदर घुला मिला के रखा जाएगा और आप धोखा खा जाएंगे। आपको मालूम नहीं है ये अनाकवंशी की जाति में से है या ये सचमुच मनुष्य जाति है। देखिए, भ्रष्टता का असर मनुष्यों के ऊपर आ चुका है, तो आप मनुष्य के अंदर भी अगर ये भ्रष्टता के चाल चलन के साथ जुड़े रहेंगे तो आप उन्हीं के समान हो जाएंगे। चाहे वो अनाकवंशी नहीं है तो भी उनके चाल चलन के कारण आप मसीह में उठा लिए नहीं जाएंगे, रैप्चर में उठा लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यही बात के लिए मसीह यीशु कहता है कि ये यहूदा के पत्र में लिखा है कि ये लोग जो ऐसे रहेंगे, जो अपने शरीर को छोड़कर जो स्वर्ग के बातें हैं, जो लूसीफर के द्वारा होती है, उन बातों में ही अपना मन गढ़ाए रखेंगे, उन्हीं की वासनाओं को अपने अंदर लगाए रखेंगे, और यही कारण होगा कि वो मनुष्यों के ऊपर पनिशमेंट्स रहेगा और वो मनुष्य उठाए नहीं जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये बात को कि नूह के समय किसको मार डाला परमेश्वर ने? मनुष्यों को। सदोम अमोरा के वक्त में किसको मार डाला परमेश्वर ने? मनुष्यों को। अभी इस समय भी अगर परमेश्वर पनिशमेंट की बात कर रहा है तो किसके ऊपर आएगा? वो मनुष्यों के ऊपर, क्योंकि अनाकवंश तो वैसे ही जीते हुए जा रहे आगे, ठीक है? उनकी तो मर्यादा नहीं है, उनको तो बाढ़ नहीं मार सकी, उनको सदोम अमोरा के अंदर कुछ मार नहीं सका, और अभी इस समय भी वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उनका मसीह विरोध होने का जो समय, मसीह विरोधी आने का जो समय, उसके लिए वो जीवित है और वो जीवित रहकर आगे जाने वाले हैं, लेकिन चाल चलन वो मनुष्य की खराब करते जा रहे हैं। मनुष्यों को उसके बारे में मालूम होना चाहिए, खास करके जब हम मसीह हैं तब हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके और हमारे लिए जानकारी है कि मसीह होने के बाद हमारा समय अब ये नहीं है, अब हमारा समय है यीशु मसीह का आगमन का इंतज़ार में। जो चाहिए वो पवित्रता, शुद्धता, और हमारे व्यवहार के अंदर भी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसमें ही सीमित रहना है, उसके बाहर निकल नहीं जाना है। सारे प्रेम व्यवहार या शादी ब्याह के बाहर का सारा रिश्ता या किसी भी प्रकार का व्यभिचार, ये सब काम अब
मसीहों का नहीं है, क्योंकि ये अनाकवंशियों की रीतियां हैं और वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये नूह का समय आ चुका है और मसीह विरोध का समय भी, मसीह विरोधी आने का समय भी आ चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ें बढ़ेगी, क्योंकि उनका वंश इसमें बढ़ता जाएगा तो वैसा ही मनुष्य भ्रष्ट होने के मार्ग सीखता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मसीहों को वो भ्रष्ट हुआ मार्ग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, वो बहुत आसान कर दिया गया है, क्योंकि उनका वंश बढ़ता जाएगा इस पृथ्वी के ऊपर तो उनके चाल चलन भी बढ़ते जाएंगे, तो वो चाल चलन मनुष्यों के अंदर उतरने में टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए मनुष्यों को वचन के अंदर अपने आप को गाड़ देना है, क्योंकि वचन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस तक शैतान के ये चाल चलन पहुंच नहीं सकते हैं, हम परख सकते हैं और हम समझ के साथ अपने रास्ते को अलग कर सकते हैं। क्या पता जिसको आप बोल रहे कि नहीं ये मेरे लिए मेरा प्रेमी है, या ये मेरे साथ शादी करने वाला है, या ये हमारे साथ कोई ऐसा अफेयर्स है, ये क्या पता कि वो अनाकवंशियों के जाति का है, क्या पता कि उसको शैतान ने तैयार करके दिया है कि आपको वो अनाकवंशी के जाति के चाल चलन में पकड़ के रखे, ताकि मसीह के आने के वक्त में आप छूट जाएं। क्या पता है, हम बोल नहीं सकते हैं। इस समय ऐसा है कि हम ये संसार के अंदर कोई भी बात के ऊपर भरोसा नहीं करना है, सब कुछ से अपने आप को हटा लेना है और सिर्फ वचन के अंदर हमने अपने आप को गाड़ देना है। और उत्पत्ति के 6 अध्याय में जब आप पढ़ रहे 4 वचन को आगे, आपको मालूम पड़ेगा उनके बारे में लिखा है कि वो बलवान थे, शूरवीर थे और प्रचलित थे लोगों में, दुनिया के अंदर नामचिन थे वो लोग। नामचिन कौन होते हैं? जिनके नाम रोशन है दुनिया के अंदर, उनको पहचाना जाता है, तो वो दुनिया के अंदर पहचाने जाने वाले ऐसे लोग थे वो अनाकवंशी। और उनके वो प्रचलित होने का अर्थ जो है वो शेम, SHEM, इसका मतलब उनका वो पॉपुलर होना उनकी जाति है वो। आपको समझ में आया? यानी वो जो कुछ भी करेंगे वो पॉपुलर हो जाएगा, समझा? तो इसकी वजह से मसीह विरोधी के जो अभी काम चल रहे हैं, तो वो काम उनको पॉपुलर कर देता है। लोग, मनुष्य के अंदर ये कुवत नहीं है, समझा? तो वो स्वर्गदूतों की कुवत मनुष्य के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो पॉपुलर हो रहे हैं और उनका नाम ही वैसा है, मतलब उनके काम ही ऐसे कि वो मनुष्य के जाति के अंदर पॉपुलर बनेंगे, वैसा ही उनका काम है। ठीक है, तो इसके लिए वो पॉपुलर बनने वाले, ऐसा ही उसका अर्थ है दानव जातियों का। उनके अथॉरिटी में और कैरेक्टर में एकदम उत्तम रहेंगे और बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, ऐसे ध्यान खींच लेने वाले लोग वो लोग रहेंगे, ऊंचे पद पर रहेंगे वो। उनके अर्थ ही वह वैसा है, वो अनाकवंशी या जो बोला गया है दानव जाति, इनके लिए वो दिया गया कैरेक्टर है वो। आपको समझ में आया? उनको दिया गया ये कैरेक्टर है कि वो इतने चकाचौंध और शानो शौकत के साथ रहेंगे कि हर एक इंसान उसको पहचानेगा। और आज के जगत में आप देखेंगे ऐसे लोग जो बहुत पॉपुलर है, आपको देखने में और चाल चलन में, मतलब आपके सामने वो इतने अच्छे और इतने सहज और नम्र दिखाई देंगे, लेकिन वो अपने जो पावर है, पॉपुलैरिटी है, उसके पोजीशन को वो नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं भेड़ों को जो है वो भेड़ियों के बीच में, जंगली भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। ये इसीलिए कहा क्योंकि ये जो दानव जाति है वो मनुष्य अभी आपको पहचाने नहीं आएंगे, वो बिल्कुल आपके समानता में दिखाई देंगे, लेकिन वो भेड़िए है और वो फाड़ खाने वाले भेड़िए है। इसके लिए हम मसीह जो है वो भेड़, उनके चरित्र में नहीं जाना है, उनके चरित्र से आज़ाद होकर जीना है। इसके लिए वो बोला कि सर्प के समान चतुर रहो और कबूतर के समान निर्दोष और निष्कलंक रहो। यानी उनके बीच में रहते हुए आपको कौन से चरित्र में चलना है कि आप चतुराई से उनको समझ जाओ कि वो चरित्र क्या है उनका। उनका चरित्र अगर आपको पहचानने का कुवत आपको है अंदर, आपके वचन, जो परमेश्वर के वचन आपके अंदर है वो आपकी रोशनी है, वो वचन आपको बताएगा ये इंसान सही काम नहीं कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ से हमें अलग हो जाना है।
ठीक है, ये रोशनी है आपके पास, आप चलाक रहो और पहचानना सीखो, और आगे जाकर उसके बारे में फिर बाद में आपके लिए निर्दोष और निष्कलंक भी रहना है, यानी अशुद्ध व्यवहार करके और दूसरों को उस व्यवहार में नहीं लाना है। ये समय ऐसा है कि आप बोल नहीं सकते कि आप जिसको शादी ब्याह के लिए चुनेंगे क्या वो नेफिलिम है, क्या वो दानव जाति का है, आप बता नहीं सकते हैं। ऐसे रिश्तों में भी मत पड़िए। जो पीढ़ी परंपरा आपके सामने लोग लाए हुए हैं, क्या पता वो नेफिलिम जाति है या नहीं, आप नहीं परख सकते हैं। आप उनके चरित्र के पीछे मत जाइए। इसलिए सिर्फ आप आत्मा में परिपक्व बन जाइए, बस उतना ही काम इस समय के लिए बाकी रह गया है बस, और बाकी इस दुनिया के अंदर के लिए हमारे लिए अभी कुछ भी बाकी नहीं है। सिर्फ आत्मा में और पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ परिपक्व बनते जाइए। प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी के साथ प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, इस आखिरी दिनों में हर एक इंसान जो इस बात को आज समझा है, देखा है, सीख रहा है, और जो भी उसके पहला प्रायोरिटी है, जो भी वो काम कर रहा है, और वो समझ रहा है ये बातों को, और वो अपने आप को, अपने जीवन को अलग करके वो परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा है, वो इस समय हर प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाए और रैप्चर के लिए उठा लिया जाए यीशु मसीह के नाम में, और वो किसी भी प्रकार से रैप्चर में से अलग ना किए जाए और वो उठा लिए जाए, किसी भी प्रकार से उसको तैयार कर लिया जाए। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मिक जो तेज है वो बढ़ता जाए, और उनके ऊपर वो रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो खुल्लम खुल्ला समझ सके, एकदम स्पष्ट समझ सके क्या उस रैप्चर के लिए उनको तैयारी करने की ज़रूरत है, और उनको आत्मा में परखने का सामर्थ्य मिले ताकि वो समझ सके कौन क्या है, और मनुष्यों के बीच में वो फ़र्क करके अपने आप को बचा सके, कौन सा मनुष्य किस जाति में और किस प्रकार से वो हानिकारक है या फायदे का है। पिता परमेश्वर मैं आज बोलता हूँ और घोषणा करता हूँ कि जो उजियाला आज वचन के द्वारा उन तक पहुँचा है वो उनका मार्गदर्शक बनेगा और उनको सहायता करेगा इस बात को समझने के लिए कि वो लोगों के बीच में फ़र्क करना समझ सके, वो मौसम के अंदर होने वाले फ़र्क को समझ सके, समय में होने वाले बदलाव को वो समझ सके, घड़ियों में होने वाले समय को वो समझ सके, इस युग को, इस समय को जो बदलाव होता जा रहा है उस बदलाव को वो समझ सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।